नमस्कार दोस्तों, आज है कलयुग विक्रम संवत 2075, शक संवत 1940 और बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक बनती है 22 अप्रैल 2018। और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है रेडियो मनपसंद ऑन 91.1 FM। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। चलिए, तो आज मैं हूँ आपकी होस्ट, सुबह सुबह आपको जगाने के लिए आई हूँ। मैं अपना नाम बता दूँ, मैं हूँ RJ ईरा और मेरे साथ है बड़े ही चुलबुले मस्ती भरे, चलो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। क्या बात है, क्या बात है ईरा, आज तो कमाल कर दिया हमने, पूरा टेक ओवर कर लिया पूरा प्रोग्राम। मैंने सोचा आपकी नकल क्यों ना उतारी जाए। जी हाँ, मैं निकल लेता हूँ। नहीं, आप रहिए यहाँ पे, मैं आपकी नकल उतारती हूँ। आप RJ बन चुकी हैं और आपने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, तो बस मुझे जरूरत ही नहीं है। आई थिंक आप ही काफी हैं। जी हाँ, मैं हूँ मनीष और आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार और सलाम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। और बहुत बढ़िया शुरुआत तो हुई ईरा जी से, लेकिन वैसे शुरुआत नहीं हुई, थोड़ी सी डिले हो गई 4 मिनट की, क्योंकि कुछ स्टूडियो में खराबी आ गई थी, क्योंकि हम लोग एक स्टूडियो खाली काम कर रहा है, स्टूडियो 3, स्टूडियो 1 एकदम, ये तो कह रहे ना कि बाबा आदम के ज़माने का हो गया है, डायनासोर एरा का हो गया है स्टूडियो 1, तो उस और उसको उखाड़ फेंकने की बात चल रही है, उसको मरम्मत करने की जरूरत है जो हो नहीं रही है। और स्टूडियो 2 तो हमारा ऐसा है जैसे फ्लेमिंगटन रोड है, क्या गंगालिन की, उस पर खुदाई चल रही है और कब बन के तैयार होगा ये पता नहीं है। अरे ये सब पब्लिक सर्विस है, वॉलेंट्री जॉब है, इसमें आराम से काम होते हैं, ये जल्दी किसे है, ये कछुए की गति से चलते हैं। तो आज हम कछुए की गति से नहीं चलेंगे, हम शुरुआत तो कछुए की तरह से की थी, लेकिन हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। जी हम आज खरगोश की तरह आएंगे और बस यही कहेंगे कि मौसम थोड़ा सा खुशनुमा तो है, लेकिन बारिश आने का अंदेशा है। बारिश आ गई, मैं जब गाड़ी चला रही थी, आ गई? हाँ, तो मैंने 4-5 छींटे मेरे गाड़ी के ऊपर पड़ भी गए। वो छींटे ही रहेंगे, इससे मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी में जो रेन रडार है वहाँ पे कोई बादल दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ से वो कह रहे हैं बारिश आने वाली है। आ रही है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा मेरे को तो गार्डन में पानी वानी लग जाएगा, मेरा काम आसान हो जाता है, लेकिन हाँ आ रही है, थोड़ी सी आ रही है। तो चलिए, अब वेदर वैसे काफ़ी गर्म ही रहेगा, आई थिंक ऑटम का है तो गर्म रहे तो अच्छा, वेदर भी अच्छा है। और वेदर के साथ साथ आप ईरा जी बड़े खुशियां मना रही हैं, क्योंकि स्कूल हॉलीडे शुरू हो गए। हाँ। खुशियां मना रही हैं या आपके लिए स्ट्रेसफुल है? नहीं, आधी खुशियां हो गई, आधी खत्म हो गई, आधी है, क्योंकि एक वीक तो चला गया, एक वीक रह गया है। अच्छा। हाँ, तो जो भी पेरेंट्स छुट्टियों पे है उनके लिए आधी छुट्टियां रह गई है, आधी बाकी है, आधी चली गई है, लेकिन मजा भी आता है कभी कभी और कभी मजा आता भी नहीं, तो इट्स डिपेंड। आप जैसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए, घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी थे ये भी भूल गए। हाँ। तो जिंदगी को जियो ना कि गुजारो, बराबर है। और चलिए आज जिंदगी को हम भी जीने के लिए आपके लिए लगे हुए हैं, 2 घंटे के लिए लेंगे, 2 घंटे में मेरे ख्याल से 10 मिनट तो ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं। ये 10 मिनट का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जितना हम बोलते हैं हमें 10 से 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। हम फास्ट फॉरवर्ड में बात करें। हाँ चलिए, तो लेकिन खुशखबरी की बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए रही, जो कि बानवी जॉयस जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी किसी एक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, तो उनके घर में एक खुशखबरी हुई है। जी हाँ, उनके घर में बानवी जॉयस एंड निकी कैंपियन जो जिनके साथ वो रह रहे हैं अपनी बीवी को छोड़ के, उनके घर में बेबी बॉय ने जन्म लिया है। अच्छा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए, कुछ उनकी उनकी जो कहते हैं ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट गई तो घर में कोई लड़का ने जन्म लेके उनकी खुशखबरी, तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। और साथ में अगर आपका भी बर्थडे है, अगर आपका भी बर्थडे है इस अप्रैल में या आने वाले दिनों में, तो आप प्लीज़ हमको बताइए और हम यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कुछ तड़के मार विशेष दे देंगे, कुछ गाना वाना लगा देंगे, आपको कोई भी गाना पसंद है। और बर्थडे की हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं, बर्थडे हम मनाएंगे आज अपने प्रोग्राम में 2 बर्थडे। जी हाँ, 2 बड़े हैंडसम, हैंडसम क्या, हैंडसम नहीं ब्यूटीफुल बोलिए, हाँ हैंडसम नहीं ब्यूटीफुल, हैंडसम, हैंडसम खाली मेल के लिए होता है वो, क्यों ऐसा, पता नहीं ये ऐसे जेंडर डिफरेंस क्यों रहता है। आजकल LGBTIQ कम्युनिटी का जमाना है, यस वोट दे चुके हैं, तो आजकल कुछ भी वर्ड किसी पे चल सकता है। हाँ, वो तो मैं बोलूंगा हैंडसम, ब्यूटीफुल और सुंदर, क्या और भी जो भी वर्ड है
और बड़ी बड़ी प्यारी थी, दो हीरोइंस थी, एक थी बबीता, वो तो 1960s में काफी छाई रही, शायद हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। जगदीश जी, मणि भाई, आप लोग की जमाने की हीरोइन थी। आप कब पैदा हुए थे? और हमारे जमाने की हीरोइन थी पूनम ढिल्लो। उसका बर्थडे, बड़ी बबली चबली सी पूनम ढिल्लो। बबीता का जन्म हुआ था 20 अप्रैल को, 71 साल की हो गई है 20 अप्रैल को, और पूनम ढिल्लो जी का था 18 अप्रैल को 1962। ये हमारे जमाने की पैदाइश है, तो बस ये हो गई है 56 साल की, तो हम ये हमारे 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 टाइप की हीरोइन है। और एक हस्ती है, आप उनको भूल रहे, तभी भी आप पैदा नहीं हुए थे, वो थी शमशाद बेगम। क्योंकि आज आप बबीता का जन्मदिन मनाएंगे तो उनका एक अच्छा सा गाना भी लगाएंगे, तो आप शमशाद बेगम को कैसे भूल सकते हैं, जिनका जन्मदिन था 14 अप्रैल को और जिनकी डेथ एनिवर्सरी कल है 23 अप्रैल 2013 को। चौरानवे साल वो जी और वो हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उन्होंने जो बेहतरीन गाने दिए हैं, आप तो उनका जरूर वो गाना तो लगाएंगे, क्योंकि बबीता की याद में कजरा मोहब्बत वाला अखियों में, हाँ वो तो शमशाद बेगम का गाना था, तभी मैं बात करूंगी शमशाद बेगम की, तो लेकिन उनको कजरा आप लोग लगा के रखिए अखियों में, चाय की चुस्की बना के रखिए अपने प्यालों में, बस आगे लगे रहिए। और साथ में तो बात करेंगे आने वाले कई फंक्शंस की, फंक्शन से इवेंट्स की, एक तो हो रहा है क्रिकेट मैच जीशान हैदर की याद में, तो उस बारे में बात करेंगे। साथ में आईटी अलायंस आपको कोई फ्री आईटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री कॉम्प्लीमेंट्री, उस बारे में भी बात करेंगे। और साथ में एक और टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे, और वो है हेपेटाइटिस होता क्या है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसकी तो कुछ अवेयरनेस आपके लिए लेकर आएंगे हेपेटाइटिस के बारे में। तो बस और यही सब चर्चा है, अगर आपको कुछ कहना हो तो प्लीज हमें फोन कीजिए ऑन 6287437 पर, 4347 पे आ गए हम, 4348 से हमारा डिमोशन होके हम 4347 पे आ गए, ओके 4347, तो आज का नंबर है 6287437। ईमेल करना चाहे तो radiomanpasand@yahoo.com.au, नहीं तो अगर आप व्हाट्सएप और टेक्स्ट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो 04218980095। और बात हो रही है बबीता की, तो क्यों ना उनको प्यारे से, वो खुद ही अपने आपको इंट्रोडक्शन देंगी और बुलाएंगी, आ चलिए कि आइए आइए हुजूर तुमको, आओ हुजूर, हाँ ये अच्छा है, ऐसा है, अच्छे अच्छे गा के बताइए, आप बताइए, आप गाइए गाइए गाइए, आओ हुजूर तुमको ख्यालों में ले चलूं, क्या बात, बस आप गाना लगा दीजिए। अगर मैं इतना गाती तो मैं ही लता मंगेशकर ना होती। वाह वाह वाह, जी हाँ। और आज हम मना रहे हैं जेली बीन डे। अच्छा, आज जेली बीन डे, ये जेली बीन डे जो रेनबो कलर्स में मिलते हैं ना, आप खाती हैं आप? मुझे तो बड़ा शौक है उसका खाने का। अच्छा, अभी तो बंद कर दिया, आप तो अभी भी बच्चे ही हैं इसीलिए खाते रहते हो। नहीं पता नहीं, बड़े अच्छा मिठास रहती है, लॉली खाने का जो होता है ना, मुंह में डाल लो और रंग बिरंगे होते हैं, तो आपका मतलब देखते ही दिल मुंह में पानी आ जाता है, दिल तो है बच्चा जी हो जाता है। तो आज है जेली बीन डे भी, तो आप कहाँ कहाँ से दिन निकाल के लाते हैं पता वैसे नहीं। अगर देखिए 365 दिनों में से एक एक दिन कुछ ना कुछ दिन होता ही है, तो उसमें से आज का जेली बीन डे है। कल था एक्चुअली इंटरनेशनल चाय डे। अच्छा, फिर भी आपने चाय पे नहीं बुलाया किसी को। अगर चाय पे तो तभी बुलाया जाता है जब शादी का ख्याल आता है। वो तो है। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 91.1 पर। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के आओ
जी आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं। अच्छा, ये आपने वेलकम करने के लिए गाना लगा दिया था। हम तो रेडियो वाले हैं, हम तो हवाओं में ले चलते हैं, ऑन एयर, हवाओं के तरंगों में ले चलते, तो आप लोगों को भी हवाओं के तरंगों में ले चलें। और ये प्यारा सा गीत हम याद कर रहे थे हमारी प्यारी सी कल्पना जी को। जी हाँ, उन्हें बहुत पसंद था ये गाना, बहुत पसंद था। आशा भोसले की आवाज़ और ये, और बबीता पे फिल्माया हुआ गीत बहुत ही पसंद था। चलिए कल्पना जी, आप जहाँ भी हैं बस ऐसी हंसती रहें, खुश रहें और हवाओं में हमारा प्रोग्राम ये सुनती रहें। और जहाँ हम बात करें जब जली बीन्स की, तो ईरा जी खाली अच्छा मिठाई खाने से काम नहीं चलता है, अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से भी आपका मतलब क्या ना, दिन वजन बढ़ता है, दिन दिन अच्छा निकलता है। और जहां भारत की बात करें तो भारत में एटीएम में पैसे खत्म हो गए। अच्छा, क्यों? जिस एटीएम में आप जो लोग जा रहे हैं वहां देखा पैसा ही नहीं है। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया, लग रहा है 2000 के जो नोट थे वो फटाफट लोगों ने निकाल लिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ऐसे हो गया कि 2000 की नोट एकदम ही कम हो गए। अरे बाप रे। तो अब जो भारत सरकार है वो 500 के नोट धड़ाधड़ प्रिंट करने पे लगी हुई है, और 500 का उन्होंने कहा है कि वो 10 टाइम्स नहीं, आई थिंक 25 टाइम्स ज्यादा प्रिंट करेगी। अच्छा? पहले 500 करोड़ थे, उसको बढ़ाकर 25,000 करोड़ उन्होंने बढ़ा दिए हैं। बराबर। और 2000 की प्रिंटिंग तो बंद हो गई है, 2000 नोट की प्रिंटिंग बंद हो गई है। तो 2000 प्रिंटिंग की बंद होने से ये कहेंगे कि हो सकता है, लोगों में ये शंका है कि 2000 के नोट बैन हो जाए। अच्छा। या फिर से वो नोटबंदी की आशंका है कि 2000 नोट वापस ले लिए जाएं, लेकिन ये स्पेकुलेशन है। तो इस मतलब ये तो घबराहट ऑलरेडी फैल चुकी होगी, लोगों में फैल चुकी है कि 2000 के नोट अगर प्रिंटिंग बंद हो गई और एटीएम में नहीं मिल रहे, इसका मतलब 2000 वापस ले जाए। तो दोस्तों, अगर आपने अपने तकिए, बिस्तर और सूटकेस और जहां भी हैं, बैग वैग जहां छुपा के रखें, 2000 के नोट जरा संभाल के उसको निकाल लीजिए, और भारत जाएं तो उसको जरा जाके उसको कन्वर्ट करा लीजिए। हाँ। 200 के और 500 के नोट में, या 100 के नोट में, या चिल्लड़ में ऐसे ही उड़ा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही हवा में उड़ाने पड़ेंगे वो। अब हवा में उड़ाने की बात करें तो हमारे विजय माल्या साहब जो कि, और नीरव मोदी और उनकी सारी जितनी भी जोड़ी थी, वो सब बैंक से को चूना लगा के हवा में उड़ गए। अरे बाप रे। वो रुपए पैसे लेकर ऐसे भागे कि अभी भी वो बेचारे मोदी साहब गए थे अभी यूके, वहां जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की है वहां के प्राइम मिनिस्टर से, भैया ये दो हमारे सज्जन हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, बैंक को चूना लगा के पैसे लेके भाग गए, इनको जरा वापस बुलाया जाए। और पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन ये तो देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बैंकों ने कस्टमर्स का चूना लगा दिया। हाँ। मतलब यहाँ उल्टा केस है, यानी अभी बैंक रॉयल कमीशन चल रहा है जिसमें शॉकिंग बिहेवियर दिखने में मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ने लोगों का बहुत बड़ा चूना लगाया। अभी तक जितने भी बैंक्स की जो इंटरव्यूज हुए हैं या उनकी इंक्वायरी चली है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सब में यही कहा है कि हेरा फेरी बहुत हुई है, चाहे वो बैंक लोन्स को लेकर है, चाहे फाइनेंशियल एडवाइस को लेकर है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि एक कई बैंक्स ने तो ब्राइब्स भी लिए, कई बैंक्स के एम्प्लॉयज ने ब्राइब्स भी लिए, जैसे कि अगर आप लोन लेने जा रहे हैं और आपकी इनकम वैल्यू कम है तो उसको थोड़ा सा हाइप करके, थोड़ा सा बढ़ा के आपको ज़्यादा का लोन दे दिया गया। जैसे आपकी अगर कैपेसिटी 1 मिलियन बैंक लोन लेने की, तो आपको 1.5 मिलियन दे दिया गया या 2 मिलियन दे दिया गया। और ऐसे कई फ्रॉड कहते हैं मोर्टगेज ब्रोकर भी पकड़े गए हैं सिडनी मेलबर्न में, जो मतलब कई सालों से ये फ्रॉड करते आ रहे थे कि आपकी इनकम लेवल झूठ बोल के, या आपका सर्टिफिकेट झूठा लगा के, फेक सर्टिफिकेट्स लगा के, या फेक सैलरी सर्टिफिकेट लगा के आपको ज्यादा बैंक लोन्स दिए जाते थे। ये विजय माल्या की फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया आती थी क्या? बैंक वालों से मिलती होगी शायद, हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं क्या, दोनों मिलके चूना लगाना सीख गए। और तो बैंक्स देखिए कहां कहां बहुत सारा चूना लगाया बैंक्स, तो एक बैंक ने तो ऐसा है कि आदमी मर भी गया है लेकिन उस पर फीस पे फीस लगाई जा रही थी, 3-4 साल तक उस पर फीस लगाई जा रही थी, लोन लिया जा रहा था। चलो अच्छा है, मतलब हम इंडिया वालों को दोष देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी कुछ कम नहीं है, अच्छी बात है। और कई बैंक्स और कई फाइनेंशियल एडवाइजरी जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने तो पैसे भी ले लिए एडवाइस देने के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए, उनको एडवाइस कभी मिली ही नहीं। अच्छा, तो ये भी बड़े लफड़े अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट जो यहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि आपको
जो भी कॉरपोरेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बैंक है, इसमें अगर फंसे गए या फ्रॉड में फंसे गए तो उनको $1 million का फाइन हो सकता है, साथ में 10 साल की जेल भी हो सकती है। चलो अच्छी बात है, तो ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक कैजुअलिटी ऑलरेडी हो चुकी है कि एएमपी के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रेग मेलर ने रिजाइन कर दिया है इसको देखा देखी, क्योंकि उनको लगा एएमपी में भी कुछ धांधलेबाजी चल रही थी। तो ये जी हाँ, जहाँ हिंदुस्तान में लोग बैंक को लूट के चले जाते हैं, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ बैंक ने लोगों को लूट लिया है। तो हम तो यही कहेंगे, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, अरे 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 हम आप तुम्हारे पास आ गए। ये बैंक कस्टमर को कह रहे हैं या कस्टमर्स बैंक को कह रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन चलिए बबीता का ये प्यार, बबीता ही किसी को कह रही है फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी, ये आई बबीता एंड शशि कपूर, ये आपके प्यारे शशि कपूर। हाँ। आप बबीता से मिली, क्योंकि आप शशि कपूर से तो मिल चुकी हैं। वो बबीता उनके साथ नहीं घुमा करती थी शशि कपूर मिले, बबीता आती होगी घूंघट में आती होगी। नहीं नहीं, हाँ कपूर खानदान की चचिया ससुर थे। चलिए मूवी देख के लगता तो नहीं, लगे रहिए सुनते रहिए। फोन करना चाहे फोन कीजिए हमन 6287-4347। उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए पास हम, आ गए पास हम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे, दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला, उठ गए जो कदम।
जी दोस्तों, बेखुदी में जो कदम उठ के, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, ये हुई ना बात। आयरा जी थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। और चलिए कुछ कदम हमारे यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स उठा रहे हैं। जीशान अकबर एक बड़े एंथुसियास्टिक क्रिकेट प्लेयर हुआ करते थे और उनका पिछले साल बड़े दुखद निधन हो गया था। इस बारे में हमारे जो कैनबरा के इंडियंस है, कैनबरा के पाकिस्तानीज है, एक मेमोरियल में वो क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे हैं। जीशान अकबर ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं, तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सुधांशु जी एंड हामिद जी। नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मनपसंद। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? बस बहुत बढ़िया। और तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि जीशान अकबर के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए कि जीशान अकबर थे कौन। एक्चुअली हामिद इंट्रोड्यूस जीशान। थैंक यू सुधांशु भाई। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। शुक्रिया मनीष भाई और मिस एरा मौका देने के लिए यहाँ पे बोलने के लिए। जीशान अकबर बेसिकली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरा कोलीग भी था, और हम इकट्ठे उठते बैठते, क्रिकेट खेलते, खाते पीते थे। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 6 अप्रैल को ड्यूरिंग वर्क उसकी डेथ हो गई, और जो कि बहुत बड़ा सानहा था हमारी तमाम कम्युनिटी के लिए, और इसमें तमाम पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी और बांग्लादेश से भी लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, और कंटिन्यूइंग विद दैट अभी भी लोग उसके लिए एंथुजियास्टिक हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसी कंट्रीब्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम एक क्रिकेट मैच बेसिकली T20 डबल हेडर खेलने जा रहे हैं। अच्छा। जो कि वेंसडे को हो रहा है, एनजेक डे पे। और एनजेक डे भी इसीलिए चुना गया क्योंकि एनजेक डे शुहदा को याद करने का दिन है, तो हमारे लिए वो शहीद है। और बेसिकली मैं उसके घर भी गया, पाकिस्तान में अभी रिसेंटली गया हुआ था, तो उसकी फैमिली से मिला। अच्छा। सो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सारे दुआएं उनकी हमारे साथ हैं इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। और बहुत सारे अच्छे लोग हमारे साथ हैं जिनमें सुधांशु भाई, सैयद जेफरी भाई, खुरम भाई और तमाम कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है। और हम सबके शुक्रगुजार हैं कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सो आई विल लेट सुधांशु भाई कंटिन्यू विद दैट। आप लोगों ने कुछ ओपनिंग, इसका ट्रॉफी का ओपनिंग भी किया था अभी हाल ही में, वेंसडे को क्वीनबियन में। थैंक यू। वेंसडे को क्वीनबियन में जैसे मैंने आपको भी इनवाइट किया था, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आप बिजी थे एज यूजुअल। तो वेंसडे को हमने एक रेस्टोरेंट है क्वीनबियन में, बॉम्बे हट आई थिंक, बॉम्बे स्पाइस, वहाँ पे हमने इनॉग्रेट किया है और हमने रिवील किया है जीशान अकबर मेमोरियल शील्ड। इज़ गोना बी एन एनुअल इवेंट। तो फॉर्चुनेटली एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप देखेंगे, एक बड़ी दुखद घटना हुई थी लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। दैट इंक्लूड्स कॉकेशियन, कैथरीन का आपने देखा आर्टिकल सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में पढ़ा था, आर्टिकल आया था जी हाँ, जो आप ही ने इनफैक्ट शेयर किया था मुझसे। उसके अलावा टिम, ओवरऑल थैंक्स टू हिम, एक्चुअली ही इज़ द मेयर ऑफ क्वीनबियन, ही वाज देयर, लॉट ऑफ मीडिया पीपल वर देयर एंड ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली। जीशान का भाई इस समय आया हुआ है यहाँ पे, फैजान। अच्छा। वो कुछ केस के लिए आया था और वो ही इज़ प्लेइंग विद अस एक्चुअली। कल भी उसने क्रिकेट खेला, कल हमारा बड़ा क्लोज मैच था, आखिरी विकेट लिया था, बचा था, और आखिरी विकेट 5 रन चाहिए था ओपोनेंट को जीतने के लिए। अच्छा। और आखिरी विकेट फॉर्चुनेटली फैजान ने ही लिया, एंड ही वॉज एक्चुअली जिसने हमको मैच जिताया कल। तो वो हमने अभी रिवील किया है वेंसडे को, और ऑन द एनजैक डे हमारा ये शील्ड होने जा रहा है। इट्स गोना बी एन एनुअल इवेंट, इट्स नॉट गोना बी अ टूर्नामेंट काइंड ऑफ स्टफ। बहुत सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के यहाँ पे मैच होते हैं, हमारे कम्युनिटी में होते हैं यहाँ पे, विच इज़ एक बड़ी म्यूजिक और क्रिकेट दो जो दोनों देशों को बहुत ज़्यादा जोड़ता है। yeah. और सबसे ज़्यादा फैनेटिक हम ही लोग हैं। द डिफरेंस विद जीशान, नॉट ओनली वी आर मेकिंग इट अ मेमोरियल, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक तो हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। yeah. जैसे स्मैशर्स के, यानी सॉरी कैनबरा इंडियंस का कैप्टन मैं हूँ, लेकिन हमारी टीम में अमजद बेग भी खेल रहे हैं जो पाकिस्तान से हैं,
आइवन भी खेल रहा है जो बांग्लादेश से है. अच्छा. और हामिद की टीम में एंड्रयू खेल रहा है, हु इज अ कॉकेशियन, आई थिंक आयरिश ब्लड. तो बड़ा सारा, बड़े सारे मिल के हैं, मल्टीकल्चरल एकदम क्रिकेट मैच है. हाँ, तो इट्स गोना बी अ वेरी फ्रेंडली गेम. हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको इन इसमें मिला के चलें. आप इनवाइटेड हैं, फैमिलीज इनवाइटेड है, कैनबरा कम्युनिटी, एवरी सिंगल पर्सन ही इज इनवाइटेड. निकल्स में है, हमारा डबल हेडर है, तो नेशनल एंथम हम लोग शुरू करेंगे तकरीबन 10:30 बजे. वील बी देयर अराउंड 10ish, वील स्टार्ट एट 10:30. 4:30 बजे के शाम के आसपास हम लोग प्राइज सेरेमनी रखेंगे. वी आर ट्राइंग टू गिव एवरी सिंगल पर्सन, जो भी हमारे प्लेयर्स हैं सारे, सबको एक मोमेंट हम गिफ्ट करें. Yeah, so that there has to be something which actually carries, rather than, it's bigger than a match, it's bigger than a cricket match. So hum sirf cricket match nahi kara rahe hain, ye ek hum Zishan Akbar ke memory mein ek event kara rahe hain. To badi families invited hain, sari family, sari community, bahut sare of course politicians and the media will be there, but most importantly hum as a community we want everybody to be there, aur sab usme involve ho, aur sab aake kind of a tribute दे सके जिशान को. चलिए, और जिशान के बस यही कहेंगे, आत्मा को शांति मिले, और वो भी बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलिए इस बहाने. नहीं, बहुत अच्छी कम्युनिटी, कैनबरा इंडियंस और पाकिस्तानी कैनबरा एक साथ आके मैच खेल रहे हैं, जो कि अगर बड़े स्टेज पे देखा जाए तो काफी टक्कर का मैच, काफी Absolutely. उसमें देशभक्ति की भावना आ जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्यार से, आराम से, जैसे आपने कहा, फ्रेंडली मैच होगा. और बड़ी सारी फॉर्चुनेटली बड़ी सारी कम्युनिटी से बड़ी हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है इसको. एक इवेंट कराने को आप जानते हैं थोड़ा सा काफी पैसे लगते हैं. तो दमन भैया हैं फ्रॉम अश्योर वीजा, अमित गुप्ता हैं फ्रॉम रिलायंस मॉर्गेज, आप हैं, बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, सैयद जाफरी हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें स्पॉन्सर की है सुपर 8 से. तो बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वॉल्व होके, और कैल्टेक्स के लोग हैं, कैल्टेक्स क्वींबियन जो हमारे जिशान का एम्प्लॉयर थे, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली, बिकॉज वी नीड एंड ऑफ द डे, हम मिलके, हमने भी छोटा छोटा अमाउंट देकर कंट्रीब्यूट करके हमने, क्योंकि एक हम बड़ी सारी चीज़ें फाइनेंशियल से काफ़ी इन्वॉल्व होता है, बट फॉर्चुनेटली पीपल हैव कम फॉरवर्ड एंड पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. बहुत अच्छी चीज़ है ये. चलिए, और भी बात करेंगे इस ट्रॉफी के बारे में, जिशान अकबर जी के बारे में, लेकिन एक प्यारा सा गीत हो जाए बबीता की मूवी से ही. जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, शायद जिशान अकबर भी यही कह रहे होंगे कि जन्म जन्म का साथ है उनका भी है और हमारा कैनबरा क्रिकेट का भी. कैनबरा और क्यूमिन कमेटी ने उनका जो सपोर्ट किया है, बहुत बढ़िया. लगे रहिए और सुनते रहिए. जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए. प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए.
शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो मैं भी तेरा सपना हूँ जान मुझे अनजान न हो जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ सौ जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ बार जन्म लिए जी हाँ बबीता रणधीर कपूर को तो कह रही होंगी लेकिन आजकल रणधीर कपूर और बबीता में कुछ पटरी नहीं खा रही है ये तो होता ही रहता है ये तो होता ही रहता है तो मतलब घर घर की कहानी चलती है बाय डिफॉल्ट भाई क्या मतलब ज्यादा हो गया बस शादी होती है तो भाई ग्रांटेड बर्तन को तो बर्तन लगेगा आवाज तो आएगी लेकिन ये किसी जर्नलिस्ट ने रणधीर कपूर को एक इंटरव्यू में पूछा था कि क्योंकि बर्थडे अभी शायद अभी बबीता की थी लास्ट ईयर थी या इस साल मनाई गई थी तो किसी ने पूछा था कि आप साथ में क्यों नहीं रहते बोलते साथ मतलब नहीं वो ये पूछा था कि आप डिवोर्स क्यों नहीं देते बबीता को तो रणधीर मतलब मैं डिवोर्स क्यों दूं वो अपनी लाइफ जी रही है मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ वो अपने घर है मैं अपने घर हूँ हम दोनों मिलते हैं जब कोई फंक्शन होता है मिलते हैं तो मैं डिवोर्स क्यों दूं मैं उससे ना खुश नहीं हूँ हमारी जिंदगी चल रही है लेकिन ये है कि उसकी लाइफ अलग है क्योंकि रणधीर कपूर थोड़े पीते पाते ज्यादा हैं और वैसे तो सारे कपूर बहुत ही पीते हैं और ऋषि कपूर जब पीते हैं तब तो ट्विटर पे लग जाते हैं उनके सारे ट्वीट्स ऋषि कपूर भी वैसे ही थे नीतू सिंह ने मेलबर्न में यही बताया था कि जब रात के 12 बजे ट्वीट आए इसका मतलब वो बहुत पिए हुए तो चलिए दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं जीशान अकबर क्रिकेट ट्रॉफी की जो कि होने जा रहा है इस वेंसडे को यानी 25 अप्रैल को सुबह 10:30 बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय कैनबरा इंडियंस एंड कैनबरा पाकिस्तानी इन द मेमोरी ऑफ जीशान अकबर जी सो हमारे साथ सुधांशु जी हैं और हामिद भाई हैं तो सुधांशु जी थोड़ा सा और लोगों को बता दीजिए कि कितने बजे शुरू होगा और कितना आपने बोला डबल हेडर है तो दो मैचेस हैं बैक टू बैक जी दो मैचेस होंगे 2020 हम लोग शुरुआत करेंगे तकरीबन 10:00 10:30 तकरीबन हम लोग नेशनल एंथम्स ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन इंडियन एंड पाकिस्तानी नेशनल एंथम विल बी देयर इट विल बी संग बाय ऑल ऑफ अस उसके बाद हम मैच शुरू करेंगे दूसरा मैच तकरीबन 1:00 शुरू होगा और प्राइज सेरेमनी हमारी होगी 4:30 इट्स गोना बी फैंटास्टिक इवेंट तो मैं सबको इनवाइट करना चाहूँगा सारे स्पॉन्सर्स को स्पेसिफिकली थैंक्स करना चाहूँगा सारे कैनबरा कम्युनिटी को थैंक्स करना चाहूँगा और आई लेट एक्चुअली हामिद टेक ओवर फ्रॉम हियर ही विल टेल अ बिट अबाउट जीशान अभी ये पाकिस्तान इनफैक्ट गया था तो पाकिस्तान में उनके घर गया था जीशान के तो मैं चाहता हूँ कि हामिद कुछ बोले इस बारे में बताएं या हामिद भाई जी बहुत शुक्रिया सुधांशु भाई जी बिल्कुल मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया था जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया और जीशान अकबर की फैमिली से मुलाकात हुई और मैं अपनी बेसिकली वालदा और अपने भाई के साथ गया तो एयरपोर्ट पे वो इस तरह हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे जैसे उनका अपना बेटा आ रहा है तो हमारे अंदर उनको अपना बेटा नज़र आता है सिर्फ मुझ में नहीं सब दोस्तों में तो ये एक बड़ा इमोशनल सीन था मेरे लिए एयरपोर्ट पे उसकी सारी फैमिली उसके कज़न्स उसके चचा उसकी वालदा उसके वाले साहब सब एयरपोर्ट पे मौजूद थे फूलों के साथ हमारा इस्तकबाल करने के लिए अच्छा तो बहुत ही मैं इमोशनल हो गया था एयरपोर्ट पे और फ्रॉम दैट डे मैंने डिसाइड किया कि मतलब चलें जीशान तो नहीं रहा लेकिन अब हमें जीशान बन के दिखाना है बिल्कुल सही बात तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है जिस लेवल पर हम कर सकते हैं जितना सपोर्ट उनको कर सकते हैं हम करेंगे सो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड के वी हैव टू कंटिन्यू every single effort we can do तो फिर मैं जीशान अकबर की कब्र पे भी गया फूल चढ़ाने के लिए और वो भी बहुत इमोशनल था वहाँ पे दुआ मांगी और फिर उसकी फैमिली को बहुत हौसला अफजाई की चूँकि वो बहुत सैड थे और उसकी वालदा बार बार मेरे गले लग के रो रही थी तो इनफैक्ट उनके लिए बहुत बड़ा हादसा है और इसका जो लॉस है वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी फैमिली को सपोर्ट करें और हर लिहाज से और उसकी फैमिली की तरफ से चूंकि वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है तो उसकी फैमिली की तरफ से मैं सब दोस्तों का और जितने भी लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उसकी डेथ के फौरन बाद से अब तक जिन्होंने सपोर्ट किया है और जो एफर्ट्स कर रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसकी फैमिली के बिहाफ से मैं पूरी कम्युनिटी का और कैल्टिक्स के लोगों का और मेयर क्वीन बियान और जितने भी मीडिया के लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ
तो इस बार जो जिशान अकबर का जो मतलब मर्डर कह सकते हैं उसको, मर्डर ही किया था, जो भी एक पागल आदमी था जो कैल्टेक्स में आया था क्वींसलैंड में आके, और बेमतलब कोई मतलब कोई दुश्मनी भी नहीं थी जिशान अकबर पर, आई थिंक उसको शायद पैसे लूटने दे वहाँ से कैश रजिस्टर से क्या था पता नहीं, लेकिन उसका क्या अभी जस्टिस हो गया क्या, मतलब पता लगा कि वो कौन था, पकड़ा गया या क्या हुआ उसका अल्टीमेटली? बिल्कुल, बेसिकली अभी जो है वो उसका केस प्रोसेस में है और अच्छा। वो दो लोग थे बेसिकली, दो नौजवान थे 15 और 16 साल के, उस टाइम वो नशे की हालत में थे, उनको खुद पता नहीं उन्होंने क्या किया। अच्छा, वो भी तो बेसिकली वो कस्टडी में है और केस अभी हियरिंग चल रही है, डेट पे डेट पड़ रही है। अच्छा। जो इनका प्रोसेस है वही जो मतलब थोड़ा स्लो है, और बेसिकली ये तमाम एक्टिविटीज़ हमें इस तरह से भी सपोर्ट कर रही हैं कि ये इनडायरेक्ट प्रेशर भी है ताकि इस केस को जो है ना जल्दी वाइंड अप किया जाए। बेसिकली थोड़ा स्लो हो रहा है प्रोसेस, एक साल ऑलरेडी गुजर चुका है, केस ऑलरेडी बहुत क्लियर है, ईच एंड एवरी एविडेंस मौजूद है, लेकिन स्टिल इनका जो सिस्टम है वो इसको अलाउ कर रहा है कि ये प्रोलॉन्ग करें इसको। सो बेसिकली जस्टिस तो डेफिनेटली चाहिए और उसके लिए हम दुआगो भी हैं और जितनी एफर्ट्स हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये सब तमाम एक्टिविटीज़ करने का बेसिकली हमें फ़ायदा भी ये हो रहा है कि जिशान अकबर ज़िंदा है इसमें, बहुत बड़ी, और बार बार उसका मीडिया में नाम आना वो उसकी फैमिली के हक में है और हम सबके हक में है ताकि उसको हम इंसाफ दिलवा सकें। बहुत बढ़िया, और उसे इंसाफ तो मिलना ही चाहिए क्योंकि ऐसे किसी के साथ ना हो। आप लोगों ने उसको याद किया, उसके नाम पे क्रिकेट ट्रॉफी रखी, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको रोते हुए ना याद कर रहे, तो उनका इनका जो पैशन था क्रिकेट ही उनका पैशन था, तो आप क्रिकेट के साथ ही उनको याद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो जहाँ भी है वो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये महसूस भी वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे कि आपने उन्हें इस तरह से ज़िंदा रखा है। ये एक और बहुत अच्छी चीज़ है, ये बड़ी इससे बाहर आई है कि हम लोग चाहे बैक इन इंडिया एंड पाकिस्तान वी आर सो मच एंटी, एंड इफ़ यू गो टू फेसबुक एक्चुअली यू सी कोई भी क्रिकेट का भी कमेंट हो और सब इतने आपस में लड़ते हैं, लेकिन बड़ा एक सोच है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ही हो, आई डोंट नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ समय लोगों को बाहर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाहर वक्त गुजारना चाहिए, उससे उनको एहसास होता है कि हम दोनों एक ही हैं। हाँ। यहाँ पे हमारी टीम है, जैसे मैं बोलता हूँ स्मैशेस हम लोग खेलते हैं, हमारी आधी टीम पाकिस्तानी है, आधी टीम हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी है, तो हम मिलके खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलियन से, तो हम ये सारे मिलके खेलते हैं, और इस इवेंट में स्पेसिफिकली यू विल सी जो इंडियंस हैं कम्प्लीटली, जो पाकिस्तानी है कम्प्लीटली, एंड दे आर ऑल टुगेदर, एंड इन जनरल भी हम सब साथ में, हमें नहीं समझ में आता है कि कौन है या हामिद कहाँ से है। हामिद को 4 साल पहले शायद मैं नहीं जानता था, और हामिद को मैं कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं था कि आमिर है, हामिद है, इमरान है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं और हमारी ज़िंदगी से तहे ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगे। अरे आप, हम बचपन की यादें भी अगर इनके साथ करेंगे ना, तो पता चलता है कि इनका भी बचपन हमारे जैसा ही गुजरा है। Very similar, absolutely, मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बचपन दोनों का साथ ही ऐसे ही है, चाय की यादें भी सेम रहती है सारी, भजिया चाय, ये लोग चाय तमीज के नहीं पीते, ये तो है, ये चाय बड़ी बेकार पीते हैं, क्योंकि मैं अदरक वाली चाय बड़ी अच्छी बनाता हूँ और सब लोग पीते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले जो है ना वो चाय नहीं पीते अच्छी से हमारी ये दूध ज्यादा वाली चाय पीते हैं। चाय सुधांशु भाई की तरफ से होगी। चाय और खाना पीना और रहन सहन और भाषा भी हमारी वेशभूषा सब कुछ एकदम सिमिलर है, लेकिन ठीक है, आशा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान में पता नहीं कब क्रिकेट मैच होगा, ये तो नहीं है, हम खाली बस वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में ही देखते हैं, और यहाँ पे हॉकी मैच भी तभी देखते हैं, लेकिन आजकल तो बंद हो गए, ये तो पॉलिटिकल इशू, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन थैंक यू सुधांशु जी, थैंक यू हामिद भाई, हम चाहेंगे कि ये जिशान अकबर की क्रिकेट ट्रॉफी के आपने जो इनिशिएटिव लिया ये आगे भी आगे बढ़ता रहे और इसमें और भी लोग जुड़ते जाएं, इट्स ए कम्युनिटी इवेंट। तो दोस्तों आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि कैनबरा पाकिस्तानीज वर्सेस कैनबरा इंडियंस एक जिशान अकबर क्रिकेट ट्रॉफी हो रही है इस वेंसडे को 25 अप्रैल को, आप सब लोग आइए, और वेन्यू है निकल्स ओवल, निकल्स ओवल, जो कि निकल्स ओवल आप गूगल कर सकते हैं आजकल गूगल पे, हर चीज क्लैरी हेम्स ड्राइव, जेम्स क्लैरी, क्लैरी हेम्स ड्राइव, क्लैरी हेम्स ड्राइव है, और वहाँ पे आइए और सुबह 10:30 बजे वहाँ बड़ा अच्छा एंजॉय कीजिए, और छुट्टी का दिन है, एनजेक डे है, तो और आप लोग वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और सारी जानकारी हमारे फेसबुक पेज पे है जो कि है रेडियो मनपसंद के फेसबुक। धन्यवाद सुधांशु जी, धन्यवाद सो मच मनीष जी, थैंक यू एरा, थैंक यू सो मच जी, हाँ, लगे रहिए और सुनते रहिए। मोहब्बत में इस जमाने ने
बात सच ही कही है, किसी दीवाने ने कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर पूरा तड़का लगा के। आज तड़का लग रहा है बबीता, यानी बबीता कपूर या बबीता शिवदासानी पर, और उन पे तड़का नहीं लग रहा, उनके गानों पे लग रहा है। हाँ। उनके पिक्चर्स पे लग रहा है। उन पे तड़का लगाने की कोशिश ना करें क्योंकि उनकी दोनों बेटियां ऐसे आ जाएगी गुर्रा के। जी हाँ, बेटियों की बात करें, करिश्मा कपूर एंड करीना कपूर, और वो राज कपूर, यानी बबीता राज कपूर की बड़ी बहू थी। हाँ, कपूर खानदान की बड़ी बहू थी। हाँ, कपूर खानदान की बड़ी बहू थी। और आप जैसे कहा कि उनका शिव दसानी, उनके फादर पति पिता थे हरी शिव दसानी, जो जिनका स्टूडियो था खुद का, और इसके वजह से मुंबई में स्टूडियो था, तो बबीता जी तो मुंबई में ही पली बड़ी है, लेकिन वो स्टूडियो किस कारण चल नहीं रहा था और वो बड़ी ही उनकी हालत ख़राब हो गई, तो फिर हरी शिव दसानी ने कैरेक्टर्स रोल करना शुरू कर दिया, और फिर घर की हालत तो बहुत ख़राब थी, तो फिर उन्हें बबीता को भी फिल्म में लाना पड़ा। तो हमारे जो सिप्पी साहब थे, उन्होंने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया था तभी, जेपी सिप्पी ने, और तभी वो फिल्म में आई। उनको अपने राजेश खन्ना के अगेंस्ट उनको फिल्म मिली थी, तभी राजेश खन्ना बड़े नए नए एक्टर थे, तो उनके अगेंस्ट उनको फिल्म मिली, और इसी प्रकार उनका फिल्म का दौरान शुरू हुआ। तो वो सिंधी परिवार से है, और आपको पता है उनकी बहन का नाम क्या है? देखा, आपने सारा गूगल कर लिया, लेकिन मैंने बोला वो कब की हीरोइन थी, 60s की। वो आपके पहले पैदा हुई थी। उनका जन्म था 1947 में, वो उनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1947। हाँ, बिफोर इंडिपेंडेंस उनका जन्म हुआ था, और उनकी बहन का नाम था, जिन्होंने मेरा साया नाम की जो मूवी की थी, साधना, साधना की वो बहन थी। तो देखिए, बहुत सुंदर सी बहने थी वो, बबीता और साधना दोनों, और इसीलिए करीना और करिश्मा भी इतनी सुंदर है। बस कपूर खानदान का ही रूप नहीं आया है, तो वो शिवदासानी भी बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए वो साधना और बबीता का भी रूप लेके आई है। राइट राइट, चलिए बहुत बढ़िया। और बबीता की तो आपने पूरा एकदम कहते हैं ना, शॉर्ट में हिस्ट्री बता दी सारी, लाइफ हिस्ट्री है। लेकिन कई सारी उन्होंने पिक्चरें की, बहुत सारी सुपर डुपर हिट थी। हाँ। और फर्स्ट रिलीज जो आपने कहा 1966 में 10 लाख हुई थी,
और उसके बाद उनकी डेब्यू फिल्म तो राज रहेगी जो राजेश खन्ना, जो राजेश खन्ना के साथ हुई थी उनकी, और उनके साथ तो फिर रणबीर कपूर के साथ तो उनकी बहुत सारी फिल्में आई, और शशि कपूर के साथ जो उनके चाचा ससुर थे, तभी तो पता नहीं था उनको कि वो चाचा ससुर है, तो उनके साथ भी हसीना मान जाएगी आई थी, और विश्वजीत के साथ उनकी बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसमें मैंने अभी आपको जिक्र किया था शमशाद बेगम का वो गाना कजरा मोहब्बत वाला, वो गाना आप लगाना भूलना नहीं, बिल्कुल लगा, क्योंकि वो हाँ वो शमशाद बेगम को तो मुझे ट्रिब्यूट देना ही देना है। किस्मत से उनकी किस्मत खुल गई थी, हाँ तो किस्मत थी विश्वजीत के साथ, और बस और उन्होंने अपने जो फ्यूचर अंकल जो थे, अंकल इन लॉ शशि कपूर भी थे, शमी कपूर भी थे, हसीना मान जाएगी उन्होंने किया था, वो भी किया था, और साथ में शमी कपूर के साथ तुमसे अच्छा कौन है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हैट्रिक थी कल आज और कल जो मूवी आई थी, वो तो उन्होंने उनके फादर इन लॉ, उनके क्या बोलते हैं, उनके ग्रेट फादर इन लॉ और उनके पति, इनके साथ उन्होंने सारे कपूर ही कपूर छाए हुए थे। वाह, पूरा लग रहा है घर की मूवी, होम प्रोडक्शन था कि घर का पैसा घर में ही रह गया। हाँ, लेकिन उनमें उस मूवी में बड़े अच्छे गाने थे, आप यहाँ आए किस लिए, वो गाना भी मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन ये शमशाद बेगम के लिए। आप यहाँ आए किस लिए, आप हमारे नए मेहमान से कह रहे हैं जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनको हम पूछेंगे, लेकिन पहले हम नाचने पे लोगों को मजबूर करते हैं। हाँ, तो ये शमशाद बेगम और बबीता दोनों की याद में ये गाना सुनते हैं, कजरा मोहब्बत वाला। वेरी नाइस, चलिए लगे रहिए और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर, पूरा तड़का लगा के फोन करना चाहें 6287 4347, ईमेल हमारा है radiomanpasand@yahoo.com.au, और व्हाट्सएप या टेक्स्ट करना चाहें 04218980951। 10:54 वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान।
Australian Border Force protects Australia, detecting illegal firearms and more than 134 kilos of illicit drugs a week. But sometimes, threats can be detected within our border. So if you see something suspicious, or it may be that something just doesn't feel right, flag it anonymously with Border Watch and help the Australian Border Force keep our community safe. Search Border Watch online. Authorised by the Australian Government, Canberra. Spoken by Regis Ariel. जी हाँ दोस्तों, ये गाना अभी हम सुन रहे थे, कजरा मोहब्बत वाला, जो गाना फिल्माया गया था बबीता और विश्वजीत पे, उनकी मूवी थी. और बबीता तो आपको पता है कि वो मुंबई में ही पली बड़ी हुई लड़की है, लेकिन ये गाने की और एक खासियत थी, जो शमशाद बेगम, जो लाहौर में जिनका जन्म हुआ था और 14 अप्रैल को, और कल उनकी डेथ एनिवर्सरी है 23 अप्रैल को, तो 2013 में उनका दुखद निधन हुआ था, वो 94 साल की थी. तो उन्होंने ये गाना गाया था, और मैं शमशाद बेगम जी के ऊपर बस दो ही लाइन बोलूंगी, क्योंकि दो लाइन में तो एक्चुअली ये ख़त्म नहीं होता. मुझे पता है इस पे एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, और मेरे ख्याल से हुआ भी है. तो शमशाद जी की बात करते हुए कि वो लाहौर में पैदा हुई, और उनकी बहुत अच्छी बात ऐसी है कि उनके पिता ने उनको कहा था कि आपको गाना बिल्कुल गाना नहीं है, फिर भी उनके प्रिंसिपल की उनके ऊपर नज़र पड़ी, और उनको उन्हें पता चला ये टैलेंट, और उनके मामा जी के वजह से ये फिल्म में आई, गाना गाने लगी. लेकिन उनके पिता ने उनको बोला था कि आप पूरा बुरखा पहन के ही गाना गाएंगी. तो वो पूरा बुरखा पहन के ही गाना गाती थी, और क्योंकि उनका चेहरा किसी को दिखाई ना दे, इसलिए वो फिल्मों में भी कभी नहीं आई. उन्होंने ये सारे प्रॉमिस निभाए, तो ये बहुत अच्छी बात है. और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गाने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिए, जैसे कि लेके पहला पहला प्यार, और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, और कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, और सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम. और उनसे ये भी कहा गया था आप मुंह से नहीं गाएं, नाक से गाएं. नहीं नहीं, ऐसे कहा नहीं गया था. आपने सारे गाने उनके ऐसे नाक से ही तो नहीं है. नहीं, लेकिन वो दिल में आना वो एक, वो एक, जो हिमेश ऋषि ने मैंने आजकल कॉपी कर लिया. नहीं नहीं, लेकिन वो तो एक उनका अंदाज है, उनका आवाज जो है उसे बोलते हैं कि एक गला जो है, और वो छा गई थी, एक नई एक आवाज थी. तभी तो बहुत सारी नूर जहां थी, लता मंगेशकर थी, सुधा मल्होत्रा थी, उस जमाने में आके इन्होंने गाया. और ओपी नैयर के लिए, तो ओपी नैयर है उनकी तो वो पहली पसंद थी, उनके लिए ही उन्होंने बहुत सारे गाने गाए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू ईरा जी. ये तो आप लग रहा है ढूंढ ढूंढ के लाई है कहीं. फिर कहां से गूगल गाना है, और गूगल तो नहीं है कोई, कहीं और से आपने? नहीं, पुराने गाने हैं तो आप मुझे पूछिए. क्लासिकल सिंगिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. पुराने टाइप की तो लगती नहीं. नहीं, मुझे नए गाने पसंद. जनरेशन एक्स वाली है, एबीसी वाली नहीं है. चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, हमारे साथ एक मेहमान है स्टूडियो में, और उनको मिलवाते हैं आपसे. और ये आज हमारे स्टूडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि आईटी अलायंस करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आपको 100% कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्रेनिंग देने वाली है आपके कैनबरा शहर में ही. और चलिए वेलकम करते हैं श्री रतेश गंबर जी का. रतेश जी नमस्कार, वेलकम टू रेडियो मनपसंद. और कैसे हैं आप? नमस्कार बदेश जी. सबसे पहले रेडियो मनपसंद सुनने वालों सब श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद. और बस इससे पहले कि आप तो वैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिनेक्ट भी हैं. अभी फिनेक्ट ने अभी यहाँ पे बड़ा अच्छा रंगारंग बहुत सांस्कृतिक एक मेला लगाया था ऑज इंडिया फेयर का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई. काफी अच्छी फीडबैक मिली है कि बहु सांस्कृतिक क्या था, मतलब उसमें सिर्फ बहुएं आई थी क्या? बहुएं डांस कर रही थी. आप भी बहुएं लगे. कैनबरा की बहु नहीं हूँ इसलिए मैंने डांस नहीं किया. आपने डांस नहीं किया, लेकिन बड़ा अच्छा रंगारंग कार्यक्रम था, और वहाँ पूरे प्रदेशों की झांकियां लगी थी, बड़ा अच्छा था. चलिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. इसमें कृष्णा जी हैं, अमरदीप जी हैं, और हमारी सुनीता जी भी हैं. बहुत काफी मेहनत लगी थी, एंड उसके लिए बधाई. तो आज फिनेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे. आप और भी काम करते हैं, जैसे अभी हमने क्रिकेट मैच की बात करी, आपने क्रिकेट मैच भी आयोजन किए हुए हैं या कैनबरा शहर में, उस बारे में भी नहीं बात करेंगे. आज हम बात करेंगे केवल आईटी के बारे में, बिकॉज यू आर द डायरेक्टर ऑफ आईटी अलायंस. जी, तो बस इस बारे में बताइए कि पहले आईटी अलायंस के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके बाद हम बात करेंगे ये फ्री कॉम्प्लीमेंट्री.
जी शुक्रिया मनीष जी, और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम दिया हमें आईटी अलायंस और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग्स ड्राइव जो हम चला रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए. टू स्टार्ट विद, एज यू मेंशन्ड, आई एम हैविंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर फॉर एन आईटी कंपनी, आईटी अलायंस ऑस्ट्रेलिया. प्रीडोमिनेंटली हमारा बिजनेस जो है आईटी का, वी आर इनटू आईटी रिक्रूटमेंट, आईटी रिसोर्सिंग एंड आईटी ट्रेनिंग्स. तो वी कंसीव्ड दिस कंपनी इन दिसंबर 2016, 2016 दिसंबर में हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था. और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, फॉर्चुनेटली वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग ऑन अ वेरी गुड स्पीड. हम आईटी रिक्रूटमेंट और रिसोर्सिंग में अभी वी आर द प्रेफर्ड वेंडर्स फॉर कॉरपोरेट कंपनीज एंड सम गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल. कॉरपोरेट में अगर मैं नाम लूँगा तो कुछ, देर आर सम बिग फॉर्चून 500 कंपनीज लाइक इन्फोसिस इज देयर, विप्रो इज देयर, कैप जेमिनी इज देयर, एनईसी ऑस्ट्रेलिया, वीएफएस ग्लोबल जो आपका इंडिया का सारा इमिग्रेशन का काम करते हैं. अच्छा. और आईटीसी इंफोटेक, सो दीज आर कपल ऑफ नेम्स. एंड गवर्नमेंट की तरफ से वी आर प्रेफर्ड वेंडर टू प्रोवाइड आईटी रिसोर्सेज फॉर फेडरल गवर्नमेंट, फॉर ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया. एंड देर आर 350 काउंसिल गवर्नमेंट्स एज वेल दैट वी आर प्रेफर्ड वेंडर फॉर. क्या बात है, तो पूरे सब स्टेट और फेडरल में छाए सब जगह आपने हाथ पैर रखे हुए हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये आईटी अलायंस की ब्रांच खाली कैनबरा में या और सिडनी, मेलबर्न, बाकी अदर शहरों में भी है? नहीं, वी आर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया. हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज इन पैरामेटा इन सिडनी. अच्छा. वी गॉट टू ऑफिसेस इन सिडनी और एक हमारा ऑफिस यहाँ पे निशी बिल्डिंग में कैनबरा सीबीडी में है और एक डॉकलैंड्स में मेलबर्न में है. तो एज ऑफ नाउ हमारे तीन ऑफिसेज हैं ऑस्ट्रेलिया में और हम वी आर एक्चुअली इन, वी गॉट आवर प्रेजेंस इन इंडिया एज वेल. अच्छा. तो इंडिया में भी हमारे तीन शहर में ऑफिसेज हैं. ओह, मतलब आप कल ही बस ऑस्ट्रेलिया में नहीं, आपके पैर उधर भी हैं. जी, वी हैव आवर वहां से आए हैं, तो वहां से आए पैर तो रखने ही पड़ेंगे, रूट्स वही है, बाकी ब्रांचेस इधर है. बहुत भाई, तो आप डायरेक्टर हैं तो और भी आपके साथ हैं पूरी, मतलब कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी, वी हैव कितने लोग हैं आपके साथ? बिग स्ट्रक्चर एट दिस स्टेज. एज आई सेड, वी जस्ट स्टार्टेड इन दिसंबर 2016 एंड एट दिस स्टेज वी हैव गॉट अ टीम ऑफ अराउंड 15 परमानेंट पीपल. अच्छा. उसमें 10 तो हमारे जो बहुत सीनियर रिक्रूटर्स हैं, जो कि उसमें से 7 लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया देखते हैं और 3 लोग जो हैं वो इंडिया देखते हैं, और बाकी जो मैनेजमेंट की टीम है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो. तो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर इज. आप जो आईटी वालों को अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं या दे वर्क फॉर यू? और नहीं, दे आर ऑन आवर परमानेंट रोल्स. अच्छा. और जो हम रिसोर्सेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, देर कैन बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स. एक तो हम परमानेंट अपने रोल्स पे ले लें, और एक हम डेली कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं एंड दैट्स हाउ we deploy them at our client place as well. और तीसरा होता है कि हम मार्केट से रिसोर्स ढूंढ करके क्लाइंट के पे रोल्स पे उनको अपॉइंट करते हैं. अच्छा. तो जिसमें क्लाइंट परमानेंट अपने रोल्स पे लेना चाहता है. तो कितने आपके अंडर, मतलब आपके आईटी अलायंस के अंडर कितने होंगे? दो, एज आई सेड, वी जस्ट स्टार्टेड इन दिसंबर 2016. अभी तक कितने हैं? मतलब अभी तक आई थिंक वी हैव अराउंड 35 टू 40 पीपल वर्किंग करंटली ऑन आवर पे रोल्स. लेकिन हमने शायद 1.5 साल में शायद 125 लोगों को प्लेस किया. अरे वाह. और क्लाइंट्स कितने, क्लाइंटेल कितना है? क्लाइंटेल हमारा है कॉर्पोरेट्स में अराउंड, एज आई नेम्ड कपल ऑफ देम, पब्लिक सर्विस से लेकर कुछ भी. जी, तो काफी सारे. तो इसमें सारे इंडियंस ही है या ऑस्ट्रेलियंस या बाकी भी लोग आते हैं? नहीं, प्रीडोमिनेंटली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. इंडियंस भी होते हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि इंडियंस है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्लेसिंग पीपल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसमें रिक्वायरमेंट रहता है कि आप, यू शुड बी अ सिटीजन एंड यू शुड हैव द बेसलाइन क्लियरेंस. तो उसमें फिर लोकलाइट्स ही ज्यादा अवेलेबल रहते हैं. प्रेफर करते हैं. जी,
चलिए आप ट्रम्प के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, वेलकम टर्नबुल भी उसी पे जा रहे हैं कि लोकल को ही लिया जाए, ओवरसीज स्किल्ड माइग्रेशन ना किया जाए। अभी हम भी लोकल ही हो गए क्योंकि हमारे बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी आईटी उसमें आने शुरू हो गए, तो शायद वो लोग भी ढूंढ रहे होंगे कि बाहर से अगर आने लग गए इंडिया चाइना से या कहीं से, तो हम हमारे बच्चे कहाँ जॉब कहाँ करेंगे। बराबर बात सही है। तो और भी बातें होंगी रतेश जी के साथ। अजय और अजय ही इज द डायरेक्टर ऑफ आईटी अलायंस, ये लेकर आ रहे हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग टेस्टिंग, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसे इरा जी आपने कहा, हमसे यही कहेंगे आप यहाँ आए किस लिए, अरे और वो ये बोल रहे हैं, मुझे लगा आप भूल गए होंगे। नहीं, ये बोल रहे हैं कि आपने बुलाया इसलिए। अब आए हैं तो काम भी बताइए, पहले आप जरा मुस्कुराइए। बिल्कुल, चलिए मुस्कुराए आप भी लोग, दोस्तों आप लोग भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और गीत सुनते रहिए बबीता के मूवीज का, लगे कल आज और कल। जी हाँ, फोन करना चाहें हमें फोन कर सकते हैं 6287-4347। और बबीता के साथ हमने पूनम ढिल्लों को नहीं भूला है, पूनम ढिल्लों को भी हम याद करेंगे क्योंकि वो आपके जमाने की है, उन्हें आपको भूलना भी नहीं चाहिए। बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की न कोई बात है, आज देखिए तो क्या हसीन रात है। ओह काम तो बताइए बताइए, ना 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 पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए इसलिए बना लो हाथ जरा थाम लो, वाँ वाँ वाँ। बार बार पूछो ना क्या? दिल से भी काम लो, काम तो बताओ, काम सीधा साधा है, बोलो बोलो। आज लेना एक वादा है, क्या? आजा आजा शादी का इरादा है, शादी का इरादा है, शादी का इरादा है। शादी ना बाबा ना, मगर क्यों? शादी तो बर्बादी है। क्या कहती हो जाती आजादी है। नहीं नहीं बाय बाय, सुनो तो ना, 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 सुनो ना, तो ना, सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। टिंग टिंग, पहले आप पहले कोलगेट लगाइए, पहले आप पहले आप पहले आप, ऐसे करते तो गाड़ी निकल जाएगी। और बबीता की ऐसी गाड़ी निकल गई थी जब उन्होंने रणधीर कपूर को देखा था, शादी की थी 1971 6 नवंबर 1971 में उनकी शादी हो गई थी। ओ, और उसके बाद से उनकी एक, फिर उसके बाद शादी के बाद एक पिक्चर आई, वो थी जीत और एक हसीना दो दीवाने। अच्छा। और फिर सोने के, नहीं वो तो रणधीर कपूर के साथ उन्होंने काम किया था जीत में, एक हसीना दो दीवाने कल आजकल गए, और फिर सोने के हाथ मूवी आई शादी के बाद जो कि एकदम ही फ्लॉप हो गई। तो उनको लगा कि बस अब जाके मुझे घर में रोटियां ही बनानी चाहिए। नहीं, और कपूर खानदान का तभी वो यही था रूल था कि आपको वही करना है, लेकिन फिर वो जो भड़की पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर यही बोला तुम बाहर नहीं जाओगी बबीता, हमारे साथ यहाँ पे रोटियां बनवाओगी। आप गए थे ना सुनने, मुझे पता है। मैं पृथ्वीराज कपूर बोल रहा हूँ, तुम सुन, तो वही वाला हाल था। तो फिर राज कपूर ने क्या बोला जी, आपने नहीं सुना? ए जी, ये तो मेरे साथ ही रहेंगी घूंघट में,
नहीं ये तो मेरी बहू है. और रणधीर कपूर तो ऐसे ही चुप हो गए. रणधीर कपूर की तो आवाज ही नहीं निकल रही बेचारे. ये बहुत हो गया हंसी मजाक कपूर के ऊपर. अगर कपूर भड़क गए ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं. राज आपके नाम में भी राज है. आपको सिर्फ मनीष लगा के घूमना पड़ेगा. कौन है राज तो मैंने निकाल दिया है. राज कपूर ने ले लिया है. उनका पेटेंट है अब. सही बात है. चलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान रितेश जी, रितेश गंबर जी, जो की डायरेक्टर है आईटी अलायंस के. और आईटी अलायंस लेकर आ रही है एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री 100% कॉम्प्लीमेंट्री एक टेस्टिंग ऑन 5th of May. इस बारे में और बात करते हैं. रितेश जी इस बारे में बताइए लोगों को कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और आप क्यों दे रहे हैं फ्री दे रहे हैं. इसका मतलब कुछ लोगों को गड़बड़ लग रहा है जी. गड़बड़ तो नहीं है पीछे कोई आपका कुछ, क्योंकि आजकल फ्री के पीछे कुछ ना कुछ होता है. नहीं एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट ऑन दैट. और जब हमने इसको रोल आउट किया था मार्केट में तो हमारे पास इंक्वायरीज आनी शुरू हुई और देर वर सम कैंडिडेट्स जो हमें ये पूछते थे कि टेल अस द हिडन एजेंडा बिहाइंड दिस. ऐसा तो नहीं है हम आए और आप बोलो कि ये पहले पैसे दीजिए और फिर आप ट्रेनिंग देंगे. नहीं तो एक ही ट्रेनिंग फ्री मिलेगी. करेक्ट. नहीं एक्चुअली जब हमने अपना ब्लूप्रिंट अपना विजन जो ड्राफ्ट किया था बिजनेस का तो दिस पार्ट ऑफ द यू नो सर्विस वाज देयर इन आवर विजन कि अपना कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिटेबिलिटी का होगा वंस द बिजनेस स्टार्ट्स गेटिंग प्रॉफिटेबल. क्योंकि उसका पता नहीं कि हाउ लॉन्ग इट कैन टेक बट वी हैव बीन फॉर्चुनेट दैट बिजनेस हैज बीन यू नो प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन इटसेल्फ. तो अभी हमने रियलाइज किया कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी शुड गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी. मतलब नेकी कर दरिया में डाल ऐसा करने का आपने सोच लिया. जनता का दरिया. जनता का बहुत बड़ा दरिया है. सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है पूरी. तो उसमें ये हमारा था कि वी शुड डू समथिंग जो कि हमारे बिजनेस अपनी एक्सपर्टीज के साथ एसोसिएट हो जिसको हम ओवरसी कर पाए. तो हमें पता हो कि जो डिलीवरी है वो एट द ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूट हो रही है और जिसको बेनिफिट जाना चाहिए वो बेनिफिट मिल रहा है. तो दिस इज व्हाट केम अक्रॉस. और एक दिन हम एक एलिस्टर को के साथ बैठे हुए थे हु इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट के एजुकेशन लेवल कहाँ है और व्हाट कैन बी डन गुड. तो उस टाइम ये आइडिया थोड़ा कंसीव हुआ कि एंड ऑन द सेम टाइम कई बार ऐसा हुआ कि व्हेन वी गॉट इनटू द मार्केट आप जब फ्रेशर होते हैं मार्केट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो मार्केट में देर आर हार्डली एनी कंपनीज जो आपको बिना एक्सपीरियंस के बोलती हैं कि यू कम ऑन बोर्ड. तो उस लिए फ्रेशर्स के लिए या जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है टू गेट इनटू द जॉब मार्केट एंड अर्न देयर लिविंग एंड टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट इज़ वेरी हार्ड नाउअडेज स्पेशली. सही बात. तो दैट्स वेयर द आइडिया वॉज कंसीव्ड के वी विल इम्पार्ट यू नो विल स्टार्ट अ स्किल्स डेवलपमेंट ड्राइव टू स्टार्ट विद इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन प्रॉब्ली वी कैन टेक इट यू नो टू अदर कंट्रीज एज वेल. लाइक एज आई सेड के हमारा इंडिया में भी ऑलरेडी सेटअप है लेकिन यहाँ पहले एग्जीक्यूट करेंगे. और वी आर कमिंग अप विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आई टी कोर्सेज ट्रेनिंग्स. उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस एनालिसिस है, जावा का ट्रेनिंग होगा और भी बहुत लंबी लिस्ट है. एंड इन एडिशन टू दैट कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए चाहिए होती हैं वी विल बी हैविंग दोज ट्रेनिंग्स एज वेल. उसमें लीडरशिप की ट्रेनिंग्स होंगी, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग्स होंगी. सो दीज बोथ वर्टिकल्स ये कैन गो हैंड इन हैंड. और जिसमें वंस वी ट्रेन दी पीपल हमारे पास अपनी रिक्रूटमेंट टीम भी है. अच्छा. और हमारे पास अपने क्लाइंट्स भी हैं. वेरी नाइस. तो दैट्स वेयर वी कैन स्टिल गिव अ हेल्पिंग हैंड टू द ट्रेनीज कि जब हमें लगेगा उनमें से कि कुछ लोग हैं या सब लोग हैं उनका प्रोफाइल वी कैन पुट इट इन फ्रंट ऑफ अवर क्लाइंट्स एज वेल. कि इट माइट बी एज एन इंटर्न इनिशियली बट वी हैव सीन के इंटर्न जब आप एक बार अंदर चले जाते हो और आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है फिर तो. तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर आप एक्सपर्ट हो जाते हो. तो इसके लिए बैकग्राउंड को जरूरत नहीं है. कोई भी बैकग्राउंड चलेगा. कोई बेसिक बैकग्राउंड डिग्री होनी चाहिए, A12 होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
देखिए जॉब ट्रेनिंग के लिए तो वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड एनी बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपको जॉब लेना है तो यूजुअली ग्रेजुएशन इज द बेसिक जो हर क्लाइंट मांगेगा. अच्छा. और एज ग्रुप क्या चाहिए? एज ग्रुप अगेन इट कैन यू नो फ्रेश ग्रेजुएट से ले लीजिए आप या क्लास 12 से ले लीजिए आप. ईरा जी अभी ये 12 करके निकली हैं ये या मैं रिटायर होने वाला हूँ वो भी आप ये बताइए आप दोनों को प्रेफरेंस पे ट्रेनिंग दी जाएगी. चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू. तो ये कहाँ लगने वाली है इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे. जी जो एज आई सेड इट इज अ लॉन्ग लिस्ट of trainings which will be happening every month. लेकिन to start with हमने पहले software testing का training organize की है और पहला training हमारा Canberra में schedule है 5th of May को Hotel Relum में और it will start at 10 a.m. and it will go till 4 p.m. अच्छा. लेकिन candidates का selection जो है candidates are supposed to submit their profile through our website italliance.com.au और उसमें फंक्शनैलिटी पूरी है जिसमें आप अपना प्रोफाइल सबमिट कीजिए और रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए कि आपको किस ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है एंड देन वी विल स्क्रूटनाइज एनालाइज आपकी एक्सपर्टीज आपका बैकग्राउंड और उसके सिंक में वी विल सेंड द कंफर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द ट्रेनिंग. ओके. बिकॉज वी वॉन्ट टू डिलीवर क्वालिटी एज वेल. अगर एक रूम में हम 100 लोग बिठा देंगे तो वो क्वालिटी डिलीवर नहीं होगा. बराबर. तो वी वॉन्ट टू लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेनीज और पहला ट्रेनिंग एज सेट 5 मई को होटल रीलम में और दूसरा ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का 12 मई को हमारे हेड ऑफिस पैरामीटर एनएसडब्ल्यू में होगा. अच्छा जी. तो फिर यहाँ एनएसडब्ल्यू में जो ट्रेनिंग होगा तो वो कैनबेरा वाले लोग नहीं रहेंगे? कोई भी अटेंड कर सकता है. वी डोंट हैव द ओनली थिंग इज कि ट्रेनिंग वहाँ पे होगा. अच्छा. लेकिन सबमिशंस कहीं से भी आए एप्लीकेशंस कहीं से भी आए वी विल सिलेक्ट द कैंडिडेट्स and we'll let them attend the okay. training. Thank you Ritesh ji, bahut achhi jankari di aapki aur hum chahenge ye aapka jo aapka IT testing ka jo training hai ye ek bahut hi successful event rahe aur log shrotao jo sun rahe hain humne apne newsletter ke dwara facebook ke dwara bade humne advertise kiya hua hai aur chahenge ki aur iska fayda uthaye. Absolutely free hai, there's no obligation aur koi bhi hidden agenda nahi hai. Bilkul. Aur aapko achha lage to continue kijiye, nahi acha lage to aap kabhi bhi chhod sakte hain. Ji to thank you Ritesh. Aapko acha to zaruri lagega, I think. Aur are ek acha medium de rahe hain aapko, ek platform de rahe hain ki aapko naukri lage aur इस बहाने आजकल नौकरियों की वैसे भी शॉर्टेज होती जा रही है और सारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं. मैनुअल जॉब ये आईटी वाले की खाली बस यही रिक्रूट कर रहे हैं और कहीं नहीं है. या तो डॉक्टर्स हैं जी, दैट्स ट्रू, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या आईटी वाले. ये चार इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी जी, करेक्ट, चाहे वो 100 साल हो जाए. थैंक यू रितेश जी, आप स्टूडियो में आए हमसे और अच्छा लगा आपसे बात करके और आगे भी आज से और भी बातें होती रहेंगी. चलिए आप ऐसे ही लगे रहिए और कम्युनिटी की सेवा करती रहिए. मैं मन रेडियो मनपसंद को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को हमारा ये मैसेज पहुंचाने के लिए. थैंक यू लगे रहिए, सुनते रहिए. जी दोस्तों, ये थे रितेश गंबर जी फ्रॉम आईटी अलायंस और आपको जो बता रहे थे कि द फ्री कॉम्प्लीमेंट्री टेस्टिंग ट्रेनिंग जो लगने वाली है 5 मई को यहाँ पे होटल रील्म जो कि बार्टन में है और हमारी फेसबुक पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं. उसके बाद फिर 12 मई को पैरामीटर में इसकी सेकंड ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट लगेगा. लगे रहिए, सुनते रहिए. और ये आया प्यारा सा गीत रणधीर कपूर और बबीता. कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए भौरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए कब
कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भंवरे की गुंजल है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। अम्मा कहा तेरे लिए, गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल। जी हाँ, तेरे लिए, तेरे लिए, हम भी आपके लिए हैं जी, और आपके लिए। और आ जाते हैं हर संडे की सुबह 10 से 12 बजे और मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे। आपको कुछ कहना हो तो प्लीज़ हमें फ़ोन कर सकते हैं 6287-4347। हमारा वेबसाइट है radiomanpasand.com, जहाँ पे आप लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं कहीं भी दुनिया में किसी कोने पे हैं। और जी हाँ, ईमेल, आप फीडबैक देना चाहें, फरमाइश देना चाहें, कुछ भी कहना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं radiomanpasand@yahoo.com.au पर। और शिव शांति, जैसे जो हमने पहले भी लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक फंड रेजिंग प्रोग्राम हो रहा है फॉर द बिल्डिंग ऑफ शांति निकेतन। ये शांति निकेतन हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी में बनाया जाएगा। इसके लिए फंड रेजिंग इवेंट है जो कि अगले शनिवार 28 अप्रैल को एट द नन्ना वॉल प्राइमरी स्कूल, अनएपियन एवेन्यू और यूनेपियन ये नन्ना वॉल ACT में है। और टिकट्स काफ़ी धड़ल्ले से बिक रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप टिकट्स जल्दी लीजिए। बीना व्हीकल को फ़ोन कीजिए 0400-900-318। Tickets are only $30 for adults, $20 for children 5 to 16 years, or family agar of 4 hai to $80. Isme khana peena included hai. To Shiv Shanti, a fundraising entertainment program jisme aapko geet sangeet naach gana sab kuch milega, and it's called Shiv Shanti. To bada rangarang program hai, sham ke 5:30 baje shuru hoga on Saturday 28 April ko Nanawal Primary School mein। तो और जी हाँ, और आपको बता दें कि हमारे अलकाज़ किचन यहाँ पर है बेलखोनन में, और वहाँ पर हर सैटरडे आप खा पी सकते हैं जी हाँ, अनलिमिटेड बफे है। और इट्स लाइक अ ब्रंच या ब्रेकफास्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लंच करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप आराम से बैठ के खा पी के इंजॉय कर सकते हैं। ये बेलखोनन में है अलकाज किचन, और आप जाके बोलिए अलका जी हैं, और उनको बोलिए आपने रेडियो मनपसंद पे सुना, तो आपको बड़ा अच्छा ध्यान रखेंगी। और इट्स ऑल यू कैन ईट फॉर $20 ओनली, हर सैटरडे को सुबह 10:30 लगते हैं और 12:30 तक इसमें आप खा सकते हैं इंदौरी पोहा, इडली, वड़ा, सांभर, आलू पराठा, दाल कचौड़ी, जलेबी, यम यम, मुँह में पानी आ गया जी। अलकाज किचन, एड्रेस है 3135 नेटफोल्ड स्ट्रीट कैनबरा, जो कि बेलखोनन में है। और भी जी हाँ, बस आपको कोई कमेटी अनाउंसमेंट्स करवाना हो या करना हो तो प्लीज़ हमें फ़ोन कर सकते हैं 6287-4347। जी हाँ, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हम अपने उस कमेटी अनाउंसमेंट्स को हम अपने न्यूज़लेटर में फेसबुक के द्वारा हम
आप सारे कैमरा कमेटी को भेज सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, समय हुआ है 11:27। अगर आप लेट से उठे हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रोग्राम के, तो आज हम बबीता जी को याद कर रहे हैं, साथ में हम याद कर रहे हैं पूनम ढिल्लों जी को। जी हाँ, पूनम ढिल्लों जी का भी बर्थडे अभी 18 अप्रैल को निकला, वो हो गई हैं जी हाँ 65 ईयर्स की। चलिए, जितने भी साल की हुई हैं लेकिन उनका बर्थडे हम मना रहे हैं। लेकिन और ईरा जी हमें छोड़ के चली गई, क्यों? ईरा जी को बड़े अर्जेंट कोई काम आ गया, तो बस ईरा जी चलिए कोई बात नहीं, आपको मिस करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं अनूप जॉन परेरा जी, इज़ द कर्ता धर्ता, इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ हेपेटाइटिस ACT। Yeah, I work as a hepatitis B project officer. Project officer of the hepatitis. ये थोड़ा सा tongue twister नहीं है। कैसे आप उसको pronounce करते हैं? Hepatitis. Hepatitis, that's the word. Hepatitis ACT में ये काम करते हैं अनूप जी, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। और hepatitis होता क्या है, hepatitis कैसे symptoms क्या है, इसका treatment तो खैर हम उतना नहीं बताएंगे, treatment क्या करना चाहिए ये तो आपके डॉक्टर GPs और specialists बैठे हुए हैं। और प्लीज़ यहाँ पे जो हम जानकारी देंगे hepatitis की, वो उसको आप ऐसे अवेयरनेस ही रखिएगा, जानकारी रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको hepatitis हो सकता है या होने वाला है या आप इससे सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो अनूप जी जब बता रहे हैं या हम यहाँ रेडियो मनपसंद पे बता रहे हैं, उसका मतलब ये कि उसको एक एज ए ट्रीटमेंट मत लीजिएगा, अपने GP को जाके आप कंसल्ट कीजिएगा। वेलकम अनूप जी टू रेडियो मनपसंद, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बस, तो फिर मैं स्टार्टिंग में तो इंग्लिश में बोल दिया, सॉरी, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। मेरा नाम अनूप है और प्रेक्षकों से नमस्ते बोलता हूँ। और मैं हेपेटाइटिस ACT में काम कर रहा हूँ और मैं उधर हेपेटाइटिस बी प्रोजेक्ट ऑफिसर का काम करता हूँ। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर होता क्या है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी हम लोग को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डालता है, जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिटी का हेल्प करने की कोशिश करता है। तो मेरा ये है मल्टीकल्चरल ऑफिसर का काम, तो अभी हिंदी में उसको बहुसंस्कृतिक देशों के लोग का मदद करने के लिए हायर किया है मुझे, तो इसलिए वही काम करते हो। और मेनली आपने पूछा हेपेटाइटिस क्या है, माना कि थोड़ा कठिन शब्द है, कि तो बेसिकली हेपेटाइटिस का क्या है, वो ग्रीक वर्ड है, तो हेपैट यानी लिवर होता है। अच्छा, तो हमारे लिवर क्या है, जिगर। अरे, तो जिगर के इन्फ्लेमेशन या जिगर की सूजना को हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। अच्छा, तो यही बात है जो मैं प्रेक्षकों से कहना चाहता हूँ। जब आप कोई आपको बोलेंगे आपको देखो हेपेटाइटिस हो गया, ये कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बस ऐसा है कि किसी को भी हो सकता है अगर आपका देखभाल नहीं करेंगे, हेल्थ का देखभाल नहीं करेंगे, किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि आप मरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसका हमेशा आपके लिए सपोर्ट रहेंगे सब, यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, इसलिए बस उसके साथ आप अभी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा उसको ध्यान से सुनिए और फॉलो अप कीजिए। जैसे मनीष जी ने बोला, मैं बस एक हेल्थ एजुकेटर हूँ, इसलिए मेरे बात सुन के आपके मैं बस चाहता हूँ कि आपके अंदर की जो आग है उसको जगाए और आप जाके सीधा डॉक्टर के पास या GP के पास या कहीं पे भी जाओ, बस चेकअप करा लो, आपको पता पड़ेंगे कि आपकी लिवर सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मनीष जी, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जिगर जो है हमारी अंगों में से सबसे बड़ा अंग है। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जो शरीर में है, तो अंग तो सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग होने के कारण वो 400 से 500 फंक्शंस या काम कैरी आउट करता है। अच्छा, ठीक है, 400 से 500। हाँ, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम, मुझे लगा दिमाग या दिल ज्यादा काम करता है, लेकिन जिगर भी उतना ही है। दिल काम करता है जब कोई खूबसूरत लड़की या बंदा नजर आए तब दिल काम करता है। ये हुई नहीं बात, आपका तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा जिगर ही दिखाई दे रहा है। आप अभी टी शर्ट पहन के आए? हाँ, तो हमारा वर्क का टी शर्ट है जिससे हम लोग को कहना चाहता है कि हम लोग जिगर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बोलते हैं कभी कभी लोग को समझ में नहीं आता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने बताया जिगर 500 से कम 400-500 फंक्शंस कैरी आउट करता है या काम कर लेता है। और हमें ये जानना जरूरी है कि ये फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। हमेशा लोग पता है, चल ये बंदा बोल रहा है कि 400-500 फंक्शंस करता है, मगर इतना क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होगा? बिल्कुल। तो लोग के समझदारी के लिए मैं 4 या 5 फंक्शंस बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो स्टार्टिंग में जो हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है,
जो ब्लड दौड़ता है, ये जो खून स्टार्टिंग में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जी हाँ, ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड तब बनता है जिगर की मदद से, तो जिगर उसको ब्लड सब कलेक्ट करके हार्ट पे बेचता है और हार्ट उसको पंप करके डीऑक्सीनेट से ऑक्सीजनेटेड बनाता ऑक्सीजन है। तो अगर हमारा जिगर काम नहीं कर रहा है, खून हमेशा गंदा रहेंगे शरीर के अंदर, इसलिए वेन्स जो बोलते हैं, वेन्स में गंदा खून होता है, हाँ। वेन्स के द्वारा आता है, फिर हाँ। आप बोल रहे हैं लिवर, लिवर में उसको ऑक्सीजनेटेड करता है थ्रू वाया लंग्स के साथ, नहीं नहीं, लिवर वो ब्लड को कलेक्ट करके वो हार्ट पे पंप, अच्छा, हाँ, उधर तो हार्ट पंप करके डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बना देता है, लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनेट होते हुए फिर बाद में जाके वो आर्टरीज में जाता है। हाँ, तो मेनली क्या है, वो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स से नॉर्मल पंप होता है, मगर खून में भी ऑक्सीजन होता है, क्या बात, तो उस वो मोस्टली लोग कभी कभी उसका जानकारी नहीं रहता, मगर हमारे खून में भी ऑक्सीजन रहना जरूरी है, ताकि क्योंकि पूरे शरीर में तो खून दौड़ता ही है, अभी पूरे फंक्शन के लिए अगर किसी भी इंसान में खून नहीं दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी फंक्शन ये है कि आप मनीष जी, आपका जब अगर सर दुख रहा है या आपको बुखार हो गया, आप दवाई लेते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, और हाँ। क्या, सबसे पहले पेनाडोल दी जाती है, वही पेनाडोल, न्यूरोफिन, पैरासिटामोल सब लोग लेता है, अगर हाँ। सोचो सुबह सुबह मैंने उठा, मेरा मुझे रेडियो प्रोग्राम में आने, मेरा सर दुख रहा है तो मुझे सोचो मैं एक दवाई ले लिया, वो भी न्यूरोफिन या कुछ ले लिया, हाँ। अभी ये न्यूरोफिन को मेरे शरीर में काम करने के लिए या उसको मेरे हेडेक को रिलीव करने के लिए हाँ। पहले वो लिवर के पास जाता है, हर दवाई हम लोग कुछ भी दवाई इंजेक्शन के द्वारा या ओरली या कुछ भी हम लोग वो दवाई लेंगे तो सबसे पहले वो लिवर पे जाता है, लिवर वो उसको छोटे छोटे पीसेस में कर देता है या टुकड़े कर देता है जिसको हम लोग मेटाबोलाइजेशन कहते हैं, तो मेटाबोलाइजेशन होने के बाद हम लोग वो दवाई शरीर के अलग अलग जगह पे जाके उस हमें हमारा पेन या फीवर या कुछ भी रिलीव करता है, तो हम व्यूअर्स को ये सुनना जरूरी है कि अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है या आपकी जिगर की देखभाल नहीं कर रहा है तो कभी आप कोई भी दवाई नहीं लग सकता और वो कभी आपके शरीर में काम नहीं करेंगे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और एग्जांपल बोल देता हूँ ताकि लोग को समझ में आए, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, देखो अभी मनीष जी हमेशा इतना एनर्जी के साथ रेडियो में अनाउंस करता है, काम कर रहा है, और मेरा जिगर बहुत बड़ा है इसलिए कहते हैं कि जिगर बहुत आपका जिगर और दिल भी बड़ा है तो बात यह है कि पूरा एनर्जी हमारे लिवर में स्टोर होता है या जिगर में स्टोर होता है, तो ये जानना जरूरी है कि अगर हमें कुछ भी काम करना है, सोने के लिए, बात करने के लिए, बीवी से या बच्चे से झगड़ा करने के लिए, किसी पे चिल्लाने के लिए, ऑफिस में बॉस से या कुछ भी, सभी काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी जिगर में स्टोर होता है। ऐसे सोचो कि ये कोई फैक्ट्री है जो 24 घंटे काम कर रहा है और उसमें से एनर्जी भी निकलता है, वो हमें प्रोटीन्स देता है, वो खून को प्यूरिफाई करता है, तो इसलिए 400 से 500 फंक्शंस करता है, इसलिए जिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला जाता है कि उस बंदे के पास अगर जिगर होगा तो वो काम कर सकता है। वही जिगर होना बहुत जरूरी है, दिल तो खैर दिल के पास होता है, लेकिन और दिमाग भी होना चाहिए, लेकिन जिगर भी होना चाहिए। हाँ, और बहुत पहले लोग ने जिगर के बारे में गाना भी बनाया है, मगर हम लोग ने शायद उसको तब वो सेंस पे नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जिगर बोलते हैं तो वो लोग कनेक्ट करता है कि शायद दिल होगा, तो वो गाना आप याद करते हैं, दिल जिगर नजर क्या, वही गाना, तो उसमें जिगर है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम, ये शायद सुनील तिवारी जी भी हमें कह रहे हैं कि ये गाना तो बनता है, लेकिन अभी इस समय बारिश हो रही है तो ये गाना पहले बबीता की पिक्चर से ले लेते हैं, फ्रॉम द मूवी अंजना की रिमझिम गिरे सावन या जो भी है। चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ा सा, और फरमाइश आई है कि रिमझिम के गीत सावन गाए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और जी हाँ, तड़का या इन्फॉर्मेशन हम लगा रहे हैं हेपेटाइटिस, जी हाँ, मैं देखो टंग ट्विस्टर, मैंने अब जब एक नया वर्ड, अब मैं इसको बोलता रहूँगा तो शायद ये अब फ्लो में आ जाएगा, और इसकी सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप परेरा जी, लगे रहिए, सुनते रहिए, और कुछ आपको हेपेटाइटिस के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 6287-4347, नहीं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 04218980 95, लगे रहिए, सुनते रहिए, यह बबीता का प्यारा सा गीत विद फ्रॉम द मूवी अंजाना 1969। Yeah.
झिम झिम के गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल दान से कुछ ना सोचा कुछ ना देखा कुछ भी पूछा ना एक अनजान से चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। बड़ी लंबी जी की बातें बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी कहना क्या है सुनना क्या है कहने सुनने की अब क्या है बात जी बिन कहे जी हाँ रिमझिम के गीत सावन गाए आज रिमझिम जी। हम बात कर रहे थे कि बारिश आएगी नहीं आएगी और बारिश देखिए आ गई और आप लोग बस बारिश का आनंद उठाइए चाय पकौड़ों के साथ। और आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आप अपने जिगर को अपने लिवर को कैसे मतलब तंदुरुस्त रख सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि जिगर जो है जैसे अनूप जी बता रहे हैं कि इट्स ए बैकअप बैटरी, अगर उसमें अगर एनर्जी होगी तभी आपका बॉडी चलती रहेगी। तो अब जिगर के बारे में और बात करते हैं। अनूप परेरा जी हैं, इज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर एट हेपेटाइटिस एसीटी। जिगर की बात कर रहे तो जिगर के बारे में और कुछ जानकारी, जिगर खराब कैसे होता है? लेकिन लोग कहते हैं कि दारू पीने से खराब हो जाता है, उल्टा सीधा टेक अवे फूड जो जंक फूड खाते हैं उससे भी खराब हो जाता है, क्या ये सही है? हाँ, तो आपने ऑब्वियसली स्टार्टिंग आंसर तो आप ही ने दे ही दे दिया तो फिर वही है। तो हमारे जिगर अलग अलग तरीकों से यानी इफेक्ट या खराब हो सकता है। तो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि शराब, तो शराब पीने से यानी हमारे बॉडी के टॉलरेंस से ज़्यादा अगर हम लोग शराब पियेंगे तो हमारे जिगर को इफेक्ट करेंगे। और दारू पीने से सबसे पहला ऑर्गन जो या अंग जो इफेक्ट होता है वो हमारा जिगर है। तो अगर ज़्यादा जो दारू पीता है उसके लिवर हमेशा वीक रहता है। और अभी दूसरी बात, अभी सब लोग सिगरेट पीने का या बीड़ी पीने का या हमारे इंडिया में तो लोग तंबाकू चबाने का शौक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब करने से शरीर में भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकता है, वो छोड़ के हमारे लिवर को भी वो इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपने ऑलरेडी बोल चुका है, फूड। तो हमारे जो डाइटरी हैबिट्स है या हमारे जो फूड या हमारे लिविंग स्टाइल जो है उसके वजह से हम लोग हमेशा टेक अवे फूड फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो ये कभी ना कभी खाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मगर हम लोग अगर सोचो दिन भर रात भर फास्ट फूड ही खाते रहेंगे, मैं अभी कोई भी ब्रांड को नहीं लेने वाला, मगर आप लोग को पता ही है कहाँ से बर्गर और पिज्ज़ा वगैरह वगैरह मिलता है। तो अगर वो रेगुलरली आप खाते रहेंगे तो क्या होता है, आप मोटा हो जाएंगे। आपका शरीर जब मोटा होता है तो आपका लिवर या आपका जिगर भी मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलता है फैटी लिवर। अच्छा। तो बहुत लोग ने सुना होगा ये टर्म फैटी लिवर, जिसने नहीं सुना है वो बस यही है, हमारे लिवर की सूजना हुआ है वो भी फैट डिपोजिशन की वजह से, यानी लिवर के अराउंड फैट का डिपोजिशन हो गया है। अच्छा। और एक और ये है कि अगर हम लोग शुगर रिच डाइट, यानी सोचो हमारे खाने में शक्कर ज़्यादा, यानी सोचो हम लोग चाय पीने का शौक रखता है, अगर चाय में अगर आप 5 या 6 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं तो इसके वजह से आपके शुगर इंटेक ज़्यादा हो गया,
या आप ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो तो, यानी हमारे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उस अगर एक छोटा सा कैन में कम से कम 9 स्पून्स ऑफ यानी 8 या 10 स्पून शक्कर रहता है उसमें। ओ अच्छा, छोटे से कैन में 330 ml का हो, और अगर आप 500 ml के कोक यानी कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहे हो तो उसमें 18 स्पून ऑफ शुगर रहते हैं। तो यही होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग कितना शक्कर हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं। ये दिस गोज इवन फॉर योर एनी चॉकलेट बार्स और एनी एनर्जी ड्रिंक्स, सब में यही होता है कि शक्कर का कंटेंट ज्यादा रहता है। तो हमें हमेशा ये मॉनिटर करना पड़ता है। वंस इन अ व्हाइल इफ यू हैव इट इट्स परफेक्टली फाइन, मगर आप रेगुलरली खाते रहेंगे तो आपका इनटेक ज्यादा, और तब आपके शरीर मोटा होने के कारण आपके जिगर भी मोटा हो सकता है। सो दीज आर ऑल दी नॉन वायरल टाइप्स या नॉर्मल वेज बाय विच योर लिवर कैन गेट इफेक्टेड। एंड हम लोग हमेशा बिजी रहता है काम के वजह से, बच्चे के देखभाल, बीवी के देखभाल या पति के देखभाल, इसके वजह से हम लोग एक्सरसाइज कम करता है। बिल्कुल सही बात। तो अगर एक्सरसाइज या शरीर को व्यायाम नहीं देंगे तो हमेशा हम लोग के शरीर में वो जो यू नो जो शुगर इनटेक या फैट इनटेक की वजह से हमारा बॉडी मोटा होने के कारण जिगर वापस मोटा हो सकता है। तो ये आपने जिगर की बात की, लिवर की बात की, इसे हेपेटाइटिस हो जाता है। हाँ, तो ये तो हेपेटाइटिस बेसिकली, तो ये कितने टाइप का हेपेटाइटिस है इस बारे में कुछ बताएंगे कि हेपेटाइटिस सुनने में आए ए बी सी, और हम वैक्सीन भी लगता है आजकल हेपेटाइटिस का। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, और ये जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस वायरल फॉर्म से भी हो सकता है, यानी वायरस की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं अभी जो बता रहे थे शराब वो सब के बारे में जो बात कर रहा था, वो तो, हाँ वो सब तो अलग है, वो छोड़ के हमारे पास वायरल इन्फेक्शन भी है जो हमारे जिगर को इफेक्ट कर सकता है। ये है 5 अलग तरीकों से हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये होते क्या ए बी सी? हाँ वही, तो ए बी सी डी ई ये सब सभी का सामने हेपेटाइटिस है क्योंकि सब लिवर को इफेक्ट करता है या जिगर को इफेक्ट करता है। हाँ, मगर सबको जानना जरूरी है कि ये सब अलग अलग वायरस है, हमारे 5 उंगलियों की तरह। अभी अभी सही उंगली पे अगर आप रिंग नहीं डालेंगे तो शादी तो नहीं होने वाला, ये तो जानना जरूरी है। सही एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, तो ये आपको जानना जरूरी है कि हर वायरस हमारे शरीर में प्रवेश होता है अलग अलग तरीकों से। तो ये अलग अलग होता है हेपेटाइटिस ए टू ई से, और इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। आपने ऑलरेडी वैक्सीनेशन बोल दिया, तो कई हेपेटाइटिस को वैक्सीनेशन है, कई हेपेटाइटिस को वैक्सीनेशन नहीं है। अच्छा, तो ऐसा आपको जानना जरूरी है। तो अभी टाइम को दिमाग में रख के मैं ये बता रहा हूँ कि सबके बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला। हाँ, बस अभी मैं सर्फेस को बताने वाला है, बाकी मैं ऑब्वियसली मैं फिंगर्स क्रॉस करके बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे इन्वाइट करेंगे तो पक्का आके आपके साथ पूरा 2 या 3 घंटे स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ, और आके आपको इसके पूरा जानकारी देने के लिए रेडी हूँ। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है 52 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इसमें इंडियन लैंग्वेजेस भी बहुत सारे हैं, हिंदी में है, तमिल में है, मलयालम में है। तो जब से मैंने ये अधिकारी का रूप लिया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इसका जानकारी रखें, और हमेशा इंग्लिश में रिसोर्सेज देने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी देता हूँ और अलग लैंग्वेजेस में भी देता हूँ। क्या बात है, आप वैसे आपकी मातृभाषा क्या है? मलयालम। मलयालम, और आप इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, ये हिंदी आपने सीखी कहाँ, गया केरला में रह के सीखी या? नहीं, एक्चुअली मैं पला पड़ा कुवैत में, तो अच्छा। तो आउटसाइड इंडिया ही पला पड़ा, और हिंदी मेरा सेकेंड लैंग्वेज था स्कूल में। ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आया, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला, मगर फिर भी कभी ना कभी शौक रखा, और मुझे गाने का बहुत शौक है। अच्छा। इसलिए, और मैं यूजली हिंदी गाने गाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी का वो शुद्ध बनाने का काफ़ी ट्राई किया, वो एक्सेंट लाने के लिए कोशिश किया, तो इसलिए। लेकिन बहुत बढ़िया, आप हिंदी शुक्रिया। आई थिंक यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर अ रेडियो जॉकी, आपकी हिंदी की जो है ना एक फ्लो है जो बहुत बढ़िया लगा। ओह थैंक यू। चलिए हम आपकी आवाज में एक गाना भी सुनेंगे, लेकिन पहले हम पूनम ढिल्लो को अब याद कर लेते हैं। जी, पूनम ढिल्लो का हम बर्थडे भी मना रहे हैं, तो एक प्यारा सा गीत जो कि जिससे वो पूनम ढिल्लो एकदम सुपरस्टार हो गई थी, वो थी पिक्चर नूरी। आप लोग लगे रहिए और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर। जी हां, हेपेटाइटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ श्री अनूप परेरा जी हैं, और आप लोग को कुछ जानकारी लेना हो तो प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए 1-628-743-47। लगे रहिए और सुनते रहिए। दिल भर जा
करो मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके। प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके, आ जा रे ओ मेरे दिलबर आ जा, तू ही आके बता जा रे। जी हाँ, ये प्यारा संगीत फ्रॉम द मूवी नूरी, पूनम ढिल्लो द एवरग्रीन ब्यूटी, और बहुत ही चर्चे में रही थी और एक जब आई थी तो उन्होंने काफ़ी धमाकेदार एंट्री मारी थी, चाहे वो नूरी हो, चाहे दर्द हो, चाहे वो सोनी महिवाल हो, और उसके बाद फिर त्रिशूल में भी नज़र आई और त्रिशूल से शायद उनकी शुरुआत हुई थी। एंड वो फेमिना मिस इंडिया भी रह चुकी है 1977 में, और पूनम ढिल्लो ने 80 से ऊपर पिक्चरों में काम किया है, और राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी चली थी। चलिए हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस के लिए हमारे साथ श्री अनूप परेरा जी हैं। अनूप जी, हम लोग ए बी सी हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए बी सी बताइए क्या है। हाँ, तो हेपेटाइटिस ए जो है वो कंटेमिनेटेड फूड से होते हैं, कंटेमिनेटेड फूड या यानी बेसिकली हम लोग फीको ओरल ट्रांसमिशन बोलते हैं, यानी सोचो अगर मैं सुबह जाके टॉयलेट गया, टॉयलेट जाने के बाद मैं हाथ धोने के बाद मैं हाथ नहीं धोया और अगर मैं खाना प्रिपेयर किया तो ऐसे ट्रांसमिट होता है। अच्छा, तो इसको फीको ओरल ट्रांसमिशन बोलता है, यानी फीसीज जो हमारे नंबर टू है, नंबर टू से वो वायरस जिंदा रह सकता है और उधर से हम लोग यू नो अगर हाथ वगैरह नहीं धोएंगे तो इसके वजह से ट्रांसफर हो सकता है। okay. तो हमारे स्पेशली इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग को है क्योंकि लोग सही से हाथ नहीं धोते वगैरह वगैरह, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो अगर वैक्सीनेशन लेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाता है। अच्छा, और अगर हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस ए की जो बात करें, इंडिया में ज्यादा होता है, जैसे हम लोग इंडिया जाते हैं तो ये वैक्सीन लगा के जाना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, इधर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाले जो लोग हैं वो लोग कोई भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने से पहले हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन लगाता ही है, और स्पेशली इंडिया चाइना ऐसी जगह जब जा रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है और जहाँ पे हाइजीन प्रॉपर नहीं रखी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस बी तीन अलग तरीकों से हमारे शरीर में प्रवेश होता है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा नंबर्स इसमें है मदर टू बेबी ट्रांसमिशन, यानी एक माँ अपने बच्चे को बर्थिंग प्रोसेस से दे सकता है, और ये बड़ा प्रॉब्लम होता है और हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकता है अगर माँ को सही टाइम पे इंजेक्शन दे और बच्चे को 24 घंटे के अंदर, पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अगर इंजेक्शन देंगे तो इसको प्रिवेंट कर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको इस्तेमाल किया है और पिछले 18 सालों में एक भी वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भी अचीव कर सकता है, बस इसका जानकारी होना चाहिए। और कुल 240 मिलियन लोग, यानी 240 इंडियन नंबर्स में बोले तो, इंडियन नंबरिंग सिस्टम में बोले तो करोड़ लोग के पास हेपेटाइटिस बी है। अच्छा। और इंडिया में 37 करोड़ लोग के पास लोग को हेपेटाइटिस बी है। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 240,000 पीपल को है
और कैनबरा में जिधर हम लोग अभी है 4,000 लोग को हेपेटाइटिस बी है, बी है ऑलरेडी है और इसको हम लोग वापस, इसको भी एक वैक्सीनेशन है, 3 इंजेक्शन 6 महीने के अंदर हम लोग लेंगे तो इसको वापस हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जो प्रिवेंट कर सकता है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए. अच्छा, और अगर हेपेटाइटिस सी के बारे में जल्दी से बात करना है तो हेपेटाइटिस सी ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट ये होता है. सॉरी, मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में एक चीज बोलना भूल गया. मैं बताया 3 तरीकों से वो शरीर में प्रवेश होता है. एक था मदर टू बेबी, दूसरा है ब्लड टू ब्लड. ब्लड टू ब्लड यानी सोचो अनस्टराइल टैटूइंग, अनस्टराइल पियर्सिंग, या हम लोग पर्सनल इक्विपमेंट शेयर किए यानी रेजर टूथब्रश वगैरह कभी कभी लोग शेयर करता है, क्योंकि एक इंसान के शरीर से खून अगर दूसरे इंसान के ओपन वुंड या शरीर में घुस जाएंगे इसकी वजह से हो सकता है. तो हैज टू बी फ्रॉम एन ओपन कट टू एन ओपन कट. और तीसरा है अनप्रोटेक्टेड सेक्स. अच्छा, तो हेपेटाइटिस सी के बारे में अभी वापस मैं बात करना चाहता हूँ. हेपेटाइटिस सी ओनली ब्लड टू ब्लड. तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्टेराइल टैटूइंग और पियर्सिंग की वजह से और इंजेक्टिंग की वजह से भी लोग इंजेक्ट करते हैं तो नीडल शेयर करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है. तो हमें ये सब देखभाल रखना चाहिए कि हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर इफ यू आर ब्लड अवेयर. ओके, ठीक है. और तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करें तो इंडिया में 15 करोड़ लोग को है और ऑस्ट्रेलिया में 3,000 ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 230,000 लोग को है और कैनबरा में 3,500 लोग, यानी हेपेटाइटिस बी और सी मिलाएंगे तो 7,500 लोग को हेपेटाइटिस बी और सी है. अच्छा, तो इसलिए हमें इसका ये करना चाहिए. हेपेटाइटिस सी का अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन नहीं है तो हम लोग हमेशा रिस्क पे रहता है. हमें देखभाल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं तरीके से कभी खून दूसरे इंसान से हमारे इंसान हमारे शरीर में घुसने से हम लोग को प्रिवेंट करना चाहिए. तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट ए बी और सी के बारे में. लेकिन ये कैसे पता लगे किसी को हेपेटाइटिस है, क्या सिम्टम्स होते हैं? हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मैं प्रेक्षकों को चाहता हूँ कि इसके बारे में ज्यादा आप सुनो. हेपेटाइटिस ऐसा बीमारी है जिसको साइंस और सिम्टम्स हमें नजर नहीं आता. तो बाकी सब बीमारी सोचो, अगर मनीष जी अगर आपको कल फीवर है तो आपको पता पड़ेंगे कि आपको थोड़ा शिवरिंग हो रहा है, टेम्परेचर है, रनिंग नोज है वगैरह वगैरह. मगर हेपेटाइटिस में क्या होता है कि साइंस और सिम्टम्स 10-15 साल के बाद आता है. कभी कभी बहुत साल तक छुपे रहता है, कभी कभी लोग को 30 साल के बाद भी पता पड़ता है क्योंकि ये साइलेंट वायरस है जो अंदर बैठ के आपके जिगर को ज्यादा खराब करता है. आपके शरीर के अंदर हेपेटाइटिस है तो आप आपके फैमिली को डेंजर में डाल सकते हैं, आपके बच्चे को डेंजर में डाल सकते हैं, आप कम्युनिटी को डेंजर में डाल सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया इजिली ट्रांसमिट हो सकता है. और ये स्ट्रॉन्ग वायरसेस भी है जो शरीर के बाहर भी काफी टाइम तक जिंदा रह सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है ए बी सी का. तो ए और बी का मैंने बताया वैक्सीनेशन है. जो जो इंसान को ऑलरेडी बी हो चुका है उसके लिए स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है जिसके वजह से हम लोग वो वायरस के लोड को कम कर सकता है. अच्छा. मगर इसको शरीर से पूरा तरीके से निकाल नहीं सकता, उसको क्योर अभी तक अवेलेबल नहीं है. मगर उसका वायरस लोड यानी जो अमाउंट ऑफ वायरस अफेक्टिंग द बॉडी या अफेक्टिंग द लिवर उसको कम रखने से हमारे जिगर ज्यादा खराब नहीं होगा, हम लोग बच्चे या बीवी या किसी को भी नहीं दे सकता. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी हेपेटाइटिस सी को मैंने बताया वैक्सीनेशन नहीं है मगर इसके लिए क्योर अवेलेबल है. अच्छा. जो पहले नहीं था 2016 मार्च में ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ है. ये मेडिसिंस आर अवेलेबल इन इंडिया एज वेल. तो अगर इंडिया में कोई भी प्रेषक लोग इसके बारे में सुन रहा है तो आप उधर से ये मेडिसिंस एक्सेस कर सकता है. ये नॉर्मल दवाई है जो आप पैराडॉल की तरह ले सकता है और 3 महीने अगर आप लेंगे तो पूरे शरीर से हेपेटाइटिस सी दूर हो जाएंगे, क्योर हो सकता है. और ए की बात करें, ए का तो वैक्सीन है लेकिन अगर ए हो गया तो इट्स अ मोर फ्रेजाइल वायरस तो जल्दी आपके शरीर से निकल जाएंगे. बस थोड़ा दवाई वो लोग दे देंगे जिसके वजह से हेपेटाइटिस ए आपके शरीर से निकल जाएंगे. बहुत बढ़िया. तो मतलब लेकिन जब भी आपको लगे सिम्टम्स मतलब क्या, मतलब आपको क्या फीलिंग आता है कि हाँ, तो आपको नॉर्मल स्टार्टिंग में थोड़ा सिम्टम्स तो नजर आएंगे मगर आप कभी कनेक्ट नहीं करेंगे कि ये मेरा जिगर से अफेक्टेड या रिलेटेड है. तो यानी ऐसा है कि सोचो अगर आपको अचानक से लॉस ऑफ एपेटाइट रहेंगे यानी आपको भूख लगना है, भूख नहीं लगेंगे आपको. अच्छा. और उसके ऊपर से आपको ये भी है कि आपको कभी कभी फीलिंग टायर्ड या फिटीग. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो अभी कोई भी कनेक्ट नहीं करेंगे कि चलो यार मुझे एपेटाइट कम लग रहा है तो मैं बाकी डॉक्टर से डॉक्टर के पास जाके पूछ लेता हूँ कि मेरे जिगर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं. अच्छा, तो यही प्रॉब्लम है, वो हम लोग डॉट्स कनेक्ट नहीं करते. और जब तक आपको सीवियर सिम्टम्स नजर आए तब तो 20-30 साल तक ऑलरेडी वो आपके शरीर में रह चुका होगा. और ये है हमारा जॉन्डिस जो हमारे आँख जो है पीला कलर का. हाँ, वो लिवर से ही कनेक्ट. हाँ, लिवर से कनेक्टेड है. अच्छा. तो वो सब सिम्टम्स आपको
10, 15, 20 साल के बाद नजर आएंगे. इसलिए हमें ये सब का जानकारी रखना, यानी हर साल अगर एक बार अब हम लोग जब डॉक्टर के पास जा रहा है और हम लोग जाके प्रेशर वो सब चेक कर रहा है, एक बार बस डॉक्टर से बोलेंगे तो वो आपका ब्लड टेस्ट करके बताएंगे कि आपके शरीर में हेपेटाइटिस है या नहीं, या आपकी लिवर फंक्शन अच्छे से कर रहा है कि नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. थैंक यू अनूप जी. समय की पाबंदी है, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, 2 मिनट बचे हैं. लेकिन आप ये बताइए कि अगर जैसे आपने कहा जिगर या लिवर को आपको लगा है कि खराब हो रहा है, तो आप डॉक्टर के बताइए, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ब्लड टेस्ट कराइए, उसी से पता लगेगा. और यहाँ हमने जो जानकारी दी, जो अनूप जी ने दी और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये प्लीज डोंट टेक इट मतलब एज ग्रांटेड कि आपको हो सकती है या होने वाली है. आप जाके डॉक्टर से मिलिए, वो हो सकता है आपको वैक्सीन दें, दवाई दें या और आपका ठीक कर सकते हैं. वही, और आप बस यही जानकारी रखना चाहिए कि हम लोग को बस हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है उसको बढ़ाना है. ये इससे वही इन्फॉर्मेशन हम लोग देना चाहता है कि आप लोग आपका बस हेल्थ का देखभाल करो, क्योंकि हमारे शरीर में एक जिगर है या बाकी पूरा बॉडी का भी हम लोग ही देखभाल रख सकता है. हाँ. और मदद करने के लिए डॉक्टर हमेशा है. और हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो आपको स्पेशलिस्ट की बात ही पास ही जाने की जरूरत नहीं है, आप जीपी के पास भी जा सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एडवोकेट किया है. जीपीज भी आजकल आपको ट्रीट कर सकते है, पर लिवर क्लिनिक है, बहुत सारी जगह है, आप उधर जाएंगे तो सब कुछ सही चलेंगे. तो यही है, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन या कुछ चाहिए, हमें कांटेक्ट कर सकता है 6230-6344 में, या आप हमें ईमेल कर सकता है info@hepatitisact.com.au. हमारा वेब एड्रेस है www.hepatitisact.com.au. आप हमें फेसबुक या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकता है. और अगर आप चाहते हैं कि आके डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना है, तो मुझे इनवाइट कर सकता है, मैं कभी भी आ सकता हूँ. या हमारा एड्रेस है 36 डेविड स्ट्रीट टर्नर ACT. वाह, बहुत बढ़िया जी. हाँ दोस्तों, आप लोग इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं. और कोई कम्युनिटी ग्रुप अगर आप इनवाइट करना चाहें, तो अनूप जी इज ऑलवेज अवेलेबल, चाहे वो वीकेंड हो या वीकडेज हो, और आके आपकी कम्युनिटी आपकी भाषा में. और अनूप जी बहुत सारी भाषा बोलते हैं, आई थिंक मलयाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, साथ में पंजाबी बंगाली सब आप वो बोल सकते हैं अभी समझ में आता है, मगर ऑब्वियसली रिप्लाईज विल बी लिमिटेड. ठीक है, चलिए. लिवर का गम आप अपने पास मत रखिए, और कहिए गापूची गापूची गम गम खिशी 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 कम कम, सारे लिवर की बीमारी को कम कम करिए, लगे रहिए. और ये आया प्यारा सा गीत पूनम ढल्ला की मूवी त्रिशूल से. जी हाँ, हम दोनों साथ रहें जन्म जन्म. और पूनम ढल्ला को हैप्पी बर्थडे कहते हुए हम यही कहेंगे कि गम गम कम रखिए,
और दारू शारू शुगर वगैरह कम भी कम रखिए, तो आपको कभी हेपेटाइटिस कोई भी ए बी सी कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू, बड़ी अच्छी जानकारी दी। और जाते जाते बस यही कहेंगे कि हेपेटाइटिस act.com.au पर सारी जानकारी ले सकते हैं आप। अनूप जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं 6230-6344 और इनका ईमेल एड्रेस है info@hepatitisact.com.au। और हम सारी जानकारी आपको न्यूज़लेटर के द्वारा तो हमने दे दी है और प्लस आपके फेसबुक पे भी हम शेयर कर लेंगे। थैंक यू अनूप जी, आप आए, इतनी सारी जानकारी दी एंड बड़ा अच्छा लगा। और आशा करते हैं हमारे श्रोता इसका फ़ायदा उठाएंगे और कोई भी अगर उनको लगे कि सिम्टम्स हेपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी है, या जस्ट एक जीबी के पास जाएं और पूछ लें कि भैया हमने रेडियो में सुना था कि अब जरा मेरा टेस्ट कर दो हेपेटाइटिस है कि नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, लाइफस्टाइल मेरा ख़राब है, बाहर टेक अवे फूड ज़्यादा खाता हूँ, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता हूँ, तो मुझे जिगर अपना स्ट्रांग रखना है। और जिगर रहेगा स्ट्रांग, जैसे आपने कहा कि एनर्जी लेवल आपको बढ़ाता है तो आपका दिल दिमाग सब तंदुरुस्त रहेगा। Thank you, Anup ji. No problem. Thanks for having me on the show. Or just big thumbs up to Manish ji for having me on the show. And I'm really privileged to be working with him because the work that he's doing for the community is phenomenal. And I'm happy to support him through my entire journey here in Canberra. Kya baat? Thank you so much. Aapka bahut bahut tahe dil se dhanyawad. Thank you, Shodham. Bas jaate bas samay ho gaya hai. 12 baj chuke hain. Mere bhi 12 baj chuke hain. 12 baj ke 4 minute ho chuke hain. Aur aapse main vida lunga. Milenge aapko मंगलवार की शाम एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ। तब तक के लिए आपको कहते हैं नमस्कार, जय हिंद। आप लोग बस खुश रहिए, मस्त रहिए और आज संडे मनाते रहिए और स्कूल हॉलीडेज भी मनाते रहिए और हैव अ लवली वीक अहेड। बाय बाय। और ये वादा रहा कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, ऐसे ही तड़के मार प्रोग्राम हमेशा लेकर आते रहेंगे, ये वादा रहा। पूनम ढिल्लो तो आ गई विद ऋषि कपूर। बाय बाय। किसी मोड़ पे